हेलो स्टूडेंट्स, मैं सेल्फ डॉक्टर दीपक कुमार सिंह। आज हम लोग बायोटेक्नोलॉजी के आगे पढ़ेंगे, बायोटेक्नोलॉजी इट्स एप्लीकेशन। तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है, बायोटेक्नोलॉजी इन इट्स प्रिंसिपल प्रोसेस पढ़ चुके हैं। वो चैप्टर 11 में था, ये चैप्टर तो क्या है 12 है, 12। चैप्टर 12 में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। इसमें एक क्लास ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम लोग, जिसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा कि उसको थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं, फिर आगे इस चैप्टर में जो आज बचा है वो ख़त्म कर लेंगे। तो बायोटेक्नोलॉजी एट्स एप्लीकेशन में शुरू करते हैं। तो पहले जो लास्ट क्लास में पढ़े हैं वो थोड़ा एक रिवीजन कर लेते हैं। तो देखो, हम लोगों ने ये पढ़ा कि बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन में जो रिसर्च एरिया है बायोटेक्नोलॉजी का, रिसर्च एरिया जो है वो मेनली तीन चीज़ों में बांट दिया गया। वो सबसे पहले क्या था कि इन्होंने कहा कि कोई भी जो रिकम्बिनेंट प्रोटीन या कुछ भी बनाना है, रिकम्बिनेंट ऑर्गेनिज्म को तो कुछ भी बनाना है, तो उसको हम क्या काम करेंगे, जो रिकम्बिनेंट बनाना होगा उसको हम क्या काम करेंगे कि एज यूज करेंगे उस ऑर्गेनिज्म को, जो जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म को या उसके इंजाइम को हम इस्तेमाल करेंगे किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए। दूसरा क्या करेंगे, उस ऑर्गेनिज्म या जो भी ऑर्गेनिज्म है या जो इंजाइम जो प्रोड्यूस कर रहा है किसी पर्टिकुलर सब्सट्रेट को करने के लिए और रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के माध्यम से, तो उसको हम क्या काम करेंगे कि उसको एक प्रॉपर कंडीशन, सुटेबल कंडीशन देंगे। वो भी एक तरह का केमिकल इंजीनियरिंग जैसे होता है उस तरह का देंगे, जिससे क्या होता है प्रॉपर ऑप्टिमम कंडीशन देंगे, जिससे उसमें ग्रोथ आसानी से हो सके। और जो जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, जो हेटरोलॉगस एक्सप्रेशन हो रहा है किसी पर्टिकुलर, जैसे कोई पर्टिकुलर जीन है किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में एक्सप्रेस कर रहा है, तो उसमें जब एक्सप्रेस करेगा तो वो जो जीन का प्रोडक्ट होगा हम आसानी से ले सके। तो उसी को क्या कहते हैं कि इसमें एक कहते हैं इंजीनियरिंग प्रोसेस करते हैं, इंजीनियरिंग प्रोसेस प्रोसेस मतलब ऑप्टिमम कंडीशन देना। और लास्ट में जो जीन का प्रोडक्ट आया है उसको आइसोलेट और प्यूरीफाई करना, सेपरेट प्यूरीफाई करना, जिसको हम क्या कहते हैं डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस करना। मतलब इसमें क्या कहते हैं, सेपरेशन सेपरेशन एंड प्यूरीफिकेशन प्यूरीफिकेशन। और फाइनली हम क्या कर देते हैं, अगर उसको प्रिजर्व भी करना अगर होता है तो प्रिजर्वेशन भी कर देते हैं इसी में। तो ये है तीन बेसिक है। तो आप जैसे मान लो कोई आरडीएनए टेक्नोलॉजी जो बनाने में मदद करना है, आरडीएनए टेक्नोलॉजी में जिसमें रिकम्बिनेंट प्रोटीन को एक्सप्रेशन के लिए जोड़ने कट करने के लिए, जिसको इसका नाम भी क्या कह सकते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग, और इसको क्या कह सकते हैं केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेस, जिसमें हम क्या करते हैं उसको ऑप्टिमम कंडीशन देते हैं जिसमें वो करता है। लास्ट एक स्टेप होता है डाउन स्ट्रीम प्रोसेस, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप्स है। अगर आप अच्छा आरबी जब रिकमेंडेंट बना दिए और जेनेटिक इंजीनियर प्रोसेस मेंटेन भी कर लिए, लेकिन जीन प्रोडक्ट को सेपरेट प्यूरीफाई नहीं करने आ रहा है, तो उसका कोई पर्पज़ ही नहीं है। तो ये सारे जो पहलू हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी रिकम्बिनेंट प्रोटीन के जीन के प्रोडक्ट को ऑब्टेन करने के लिए। तो जो ऑर्गेनिज्म था वो जो था वो कौन सा था, उसमें क्या आरडीएनए है, रिकम्बिनेंट डीएनए है, वो जो है उसका एक्सप्रेशन हो रहा है उसमें, उस टाइप के एक्सप्रेशन को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, हेटरोलॉगस एक्सप्रेशन। हेटरोलॉगस जीन एक्सप्रेशन मतलब जो पर्टिकुलर जीन है उसका मतलब नेटिव नहीं है, वो कहीं बाहर से आया हुआ है उसके एक्सप्रेशन में। केमिकल इंजीनियरिंग इसमें टेम्परेचर पीएच ये सब मेंटेन देते हैं और ये फिर हैंडल करते हैं। तो इतना चीज़ें पढ़े थे, उसके अलावा और भी क्या करते हैं कि इसका क्या क्या, जो अभी ये टॉपिक का नाम ही है इट्स एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन में हम लोग क्या क्या करते थे। तो बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन उस तरह से होगा जो कि जो रिकम्बिनेंट डीएनए जिस तरह का आप इसमें ट्रांसफ़र करेंगे, जैसे मान लो ये पर्टिकुलर तुम्हारा प्लाज्मिड कोई था और इसमें तुम्हारा जीन ऑफ इंटरेस्ट ये एक्स है, ये एक्स जीन ऑफ इंटरेस्ट है, जीन ऑफ इंटरेस्ट एक्स क्या है, जीन ऑफ इंटरेस्ट है। जीन ऑफ इंटरेस्ट है तो ये क्या हो गया, जीन ऑफ इंटरेस्ट तुम्हारा, या इसको क्या कहते हैं दूसरा नाम देते हैं डिजायर जीन है, क्या है वो जीन ऑफ इंटरेस्ट, या फिर इसको क्या कर देंगे डिजायर जीन है, या फिर क्या कहेंगे डिजायर जीन है, ये कैसा जीन है डिजायर जीन है। अब ये जो जीन एक्स जीन है किसी, हो सकता है इसका एप्लीकेशन किस पर्पज़ के लिए किया जा सके, तो मेडिकल में किया जा सकता है, दूसरा है एग्रीकल्चर में किया जा सकता है,
ये दोनों बहुत ही ब्राड एरिया है, मेडिकल और एग्रीकल्चर। मेडिकल का मतलब ये हो गया फार्मास्यूटिकल में भी कर सकते हैं, फार्मास्यूटिकल में। तो मेडिकल में भी कर सकते हैं, एग्रीकल्चर में भी कर सकते हैं, मतलब फार्मास्यूटिकल जो ड्रग वगैरह बनाने के लिए हो सकता है, एग्रीकल्चर में भी कर सकते हैं। तो ये जैसा जीन होगा, जीन ऑफ इंटरेस्ट, ये उसी अकॉर्डिंगली उसका क्या होगा, ये दोनों क्या है, ये एप्लीकेशन एप्लीकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो ये एरा है, एरिया है कि जिसमें भी इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को हम एक्सप्रेस करा के उस फील्ड में हम उसका क्या कर सकते हैं, एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो यहाँ तक तो रिकम्बेंट डीएनए टेक्नोलॉजी बनाना, उसका एक्सप्रेशन करना, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग करना, ये सब चीज़ें जो टूल्स टेक्निक में हम लोगों ने पढ़ लिया है चैप्टर 11 में, कि बायोटेक्नोलॉजी कैसे हम रिकम्बेंट डीएनए बनाते हैं। उसमें अब अगला जो हम लोग पढ़ रहे हैं इस वाले बायोटेक्नोलॉजी इट्स एप्लीकेशन में, इसमें हमने मेडिकल एग्रीकल्चर में कैसे इसका एप्लीकेशन है वो पढ़ेंगे। तो वो इसमें हम लोगों ने पढ़ रखा है अभी तक कि जो बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन है वो सबसे पहला हम लोगों ने पढ़ा था क्या, किस फील्ड के लिए पढ़ा था, इन एग्रीकल्चर फील्ड। तो एग्रीकल्चर फील्ड में पढ़ने से पहले हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा आइडिया लिया था किसका, ग्रीन रिवोल्यूशन क्या है, ग्रीन रिवोल्यूशन। तो ग्रीन रिवोल्यूशन में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो फादर है एनी बोरलॉग थे इंटरनेशनल ग्रीन रिवोल्यूशन के, और दूसरा जो थे इंडियन थे कौन, एम एस स्वामीनाथन जी। तो ग्रीन रिवोल्यूशन में क्या होता था, तो ये जो ग्रीन रिवोल्यूशन था इसमें इन्होंने क्या किया कि जो फर्टिलाइजर होते हैं, जो केमिकल होता है, फर्टिलाइजर हो गया और दूसरे क्या हो गया, फर्टिलाइजर और ये पेस्टिसाइड, इस पर डिपेंडेंसी बढ़ा दी। और इसकी वजह से क्या होगा, जब फर्टिलाइजर बढ़ेगा तो वो क्या होगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ाती है, तो ये ट्रिपलिंग हो गई। जो भी प्रोडक्ट जैसे 10-10 क्विंटल हो रही थी कोई पर्टिकुलर क्रॉप की प्रोडक्टिविटी, तो वो कितना 3 गुना बढ़ गई, तो वो क्या 30 क्विंटल हो जाएगी। तो ये क्या होगा, 3 टाइम्स क्या होगा, इंक्रीज कर गई प्रोडक्टिविटी। लेकिन पॉपुलेशन इतनी तेज बढ़ रही है या उस समय भी बढ़ रही थी, तो कि ये इनफ नहीं था कि सप्लीमेंट के। दूसरा ये प्रॉब्लम था ये कि जो केमिकल थिंग्स यूज कर रहे हैं, पेस्टिसाइड या फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं, तो ये खासकर पेस्टिसाइड जो होते हैं वो बायोमैग्निफिकेशन करते हैं। इसका ये मतलब होता है कि ये कहीं ना कहीं जाके इकोसिस्टम में परसिस्ट कर रहे हैं, और जिसकी वजह से क्या हो रहा है, प्रॉब्लम हो रही है, और इस और क्या, जिसका बायोडिग्रेडेबल नहीं हो रहा है जो चीज़ें, वो क्या होगा, कहीं ना कहीं परसिस्ट करेंगे तो वो हिंड्रेंट करेंगे, डिजीज काज कर सकती हैं और सब करती हैं। तो इसलिए ये हुआ, तो फाइनली ये सोल्यूशन आया कि फिर क्या किया जाए। तो इसके लिए क्या हुआ कि ये कि जो जैसे पहले करते थे वो क्या, पहले क्या करते थे, ये वाला जो था ये कैसा था, एग्रो केमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर करते थे, एग्रो केमिकल बेस्ड खेती। और ये क्या था, एक और इसके बाद और बताया गया कि ऐसा कर सकते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग कीजिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो हम तो जानते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या, हम केवल मैन्योर यूज करते हैं, जिसको खाद कहते हैं, मैन्योर ही यूज करते हैं। अब उस मैन्योर को यूज करने के लिए हम कह रहे हैं कि मैन्योर यूज करेंगे, फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड यूज ही नहीं करेंगे, तो पेस्ट तो उसको पहले डैमेज कर देंगे। दूसरा एक प्रॉब्लम ये होगी कि मैन्योर जब यूज करते हैं तो ये जो क्वालिटी तो होती है बहुत अच्छी होती है, लेकिन प्रोडक्टिविटी बहुत लो होती है। तो यही इसकी ड्रॉबैक है, इसकी ड्रॉबैक ये है कि फर्टिलाइजर तो एग्रोकेमिकल बेस्ड होते हैं तो क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं होती है, लेकिन प्रोडक्ट क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। फिर फाइनली इन सब के सोल्यूशन में ये है, और इस वाले में जो ग्रीन सोल्यूशन ये बताया गया कि अगर फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड यूज किया और प्लांट बहुत अच्छा नहीं है, जिसका जेनेटिक मेकअप बहुत अच्छा नहीं है, तो फिर तब चाहे कितना भी कर दोगे तब भी प्रोडक्टिव उतनी नहीं इन्हेंस करेगी जितनी होनी चाहिए। तो सबने फिर फाइनली जो साइंटिफिक कमिटी थी ये ध्यान दिए कि क्यों ना क्यों हम ये बाहर से जो एक्सटर्नल सोर्स दे के बढ़ा रहे हैं, हम इन इसके जेनेटिक मेकअप में कुछ चेंजेस करें जिससे क्या हो, प्रोडक्टिविटी और अच्छी बढ़े। तब फिर आता है जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जीएमओ जिसको कहते हैं। तो जीएमओ को बनाना शुरू किया गया कि जैसे किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में हमको ब्रांचिंग बहुत ज़्यादा चाहिए, तो इसमें केवल ब्रांचिंग वाला जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो पहचान लीजिए, उस जीन को क्या कर दीजिए, इसमें इंट्रोड्यूस कर दीजिए इस अर्ली फेज में, और इससे क्या होगा, बहुत से ब्रांचिंग हो जाएंगे। तो इसमें क्या हो रहा है कि पेस्टिसाइड और ये जो फर्टिलाइजर है इसकी जो रिलायंस है इस पर कम होना होगा, क्योंकि अब ये क्या हो रहा है कि ये इसके अंदर खुद ये कैपेबिलिटी है कि इस तरह की ब्रांचिंग कर सके। दूसरी बात ये है कि अगर ये जीन ऑफ इंटरेस्ट जो होता है किसी पेस्ट स्पेसिफिक पेस्ट को किल करने के लिए सूटेबल है, तो पेस्टिसाइड की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे कि मान लो ये कोई कॉटन प्लांट है, ये कॉटन प्लांट है और इसकी लीव को खाने वाले कोई पर्टिकुलर इंसेक्ट है,
ऐसा नहीं कि सभी इंसेक्ट इसको खाएंगे, तो कोई पर्टिकुलर इंसेक्ट है। अब इसको मारने वाला जो जो पेस्ट रेजिस्टेंट जो जीन था वो किसी मान लो एक्स के, तो ये जो एक्स जीन ही है जो इसी वाले पर्टिकुलर इंसेक्ट को किल करेगा। तो ये अगर जीन इसमें चला गया तो जीन ट्रांसजेनिक बन गया ये, और इसके बाद क्या हो, जैसे ये किल करेगा खाएगा इसको, क्या होगा ये किल कर देगा। तो ये नेचुरल ही है कि जेनेटिक मेकअप को ही हमने चेंज करके हम क्या कर लिए कि इसको बचा लिए, और हम इस समय फिर इसमें पेस्टिसाइड की कोई इस्तेमाल करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इस तरह से जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का हम क्या कर सकते हैं, एडवांसमेंट के तौर पे यूज कर सकते हैं। और ये देख सकते हैं कि जो अर्ली होती थी ऑर्गेनिक फार्मिंग, और दूसरा ये होता था एग्रोकेमिकल बेस्ड जो खेती होती थी, वो सब क्या था कि उसमें कुछ ना कुछ लिमिटेशन वगैरह थे। फाइनली आता है जेनेटिक मॉडिफाइड, तो इसके भी बहुत से लिमिटेशंस हैं। इसके लिमिटेशन कुछ इस तरह के हैं कि अभी इसके कंसिक्वेंसेस इकोसिस्टम में क्या होगा क्या नहीं होगा ये बहुत ज़्यादा वेल नोन नहीं है। कौन सा जीन अगर एक दूसरे का जीन मतलब ये क्या है जो नेचर ने दिया है, उसके नेचर के एक तरह से कह लो कि अगेंस्ट की बात है कि नेचर ने एक जेनेटिक मेकअप एक ऑर्गेनिज्म को, कोई ए ऑर्गेनिज्म था कोई बी ऑर्गेनिज्म था, तो उसने क्या किया जेनेटिक मेकअप इसको दे दिया, दूसरा क्या इसको जेनेटिक मेकअप दे दिया। तो नेचर ने क्या किया, इसका इसका डीएनए दे दिया, इनको इनका डीएनए दे दिया। अब जब इनका डीएनए दे दिया तो अब हम क्या काम कर रहे हैं, उसमें कुछ तोड़ जोड़ कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं और एक नया मेकअप बना रहे हैं। तो एक तरह से ये क्या हो रहा है कि ये नेचर के जो स्टेप्स हैं या नेचर के द्वारा जो दी गई वो स्ट्रेटजी या फिर जो ब्लूप्रिंट है उसमें क्या कुछ ना कुछ चेंजेस हम लोग कर रहे हैं। तो फाइनली ये है कि अभी इसका इस पर रिसर्च बहुत चल रहा है जेनेटिक मॉडिफाइंग कि क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेज फर्दर होंगे। तो खासकर जो प्रोडक्टिविटी के लिए वो तो बात की बात है कि कुछ हद तक सही है, लेकिन जो इटेबल है जैसे ह्यूमन फूड के तौर पे जो यूज करते हैं जेनेटिक मॉडिफायर, उसमें बहुत कंट्राडिक्शन है कि वो जीन हमारे बॉडी के अंदर जाएगा फिर हो सकता है उसका कुछ एक्सप्रेशन इस तरह का, तो बात की बात है आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो ये जेनेटिक मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म इसमें क्या थे, बेस्ट थे। इसके लिए फिर हम ये हुआ कि जेनेटिक मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म के अलावा और भी कुछ है जो कि जिससे हम ये मदद कर सकते हैं इसको, तो हम ये कहेंगे कि जेनेटिक मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म तो था ही, इसमें जो एग्रीकल्चर बेस्ड वाले में हम क्या काम कर सकते हैं बना सकते हैं। जैसे कि इसमें एक था बीटी कॉटन के बारे में पढ़ा था हम लोगों ने, बीटी कॉटन क्या होता है, तो बीटी कॉटन के बारे में पढ़ा था। बीटी कॉटन में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि बीटी कॉटन में हम लोगों ने पढ़ा था कि कोई बैक्टीरिया है मान लो, ये बैक्टीरिया ये बीटी स्टैंड फॉर बैसिलस थुरिनजिएंसिस, बैसिलस थुरिनजिएंसिस जीएनसिस, तो इससे स्टैंड हुआ था बीटी कॉटन। ये क्या था कि ये कॉटन को जो कोई इंसेक्ट था, पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ इंसेक्ट ही किसी पर्टिकुलर को प्लांट को ईट करता था, तो बीटी कॉटन में एक बैसिलस था जिसमें क्राई प्रोटीन थी, क्रिस्टल प्रोटीन, ये इसका जीन जो है ट्रांसफ़र कर दिया गया कॉटन प्लांट में। अब जब इसको ये खाने आया, कॉटन प्लांट को ये खाने आया जो इंसेक्ट था, तो पर्टिकुलर स्पेसिफिक जीन को हमने इसमें ट्रांसजेनिक बना दिया, और ट्रांसजेनिक क्रॉप वो क्या था कॉटन, चूंकि बीटी के प्रेजेंस में बैसिलस थुरिनजिएंसिस के जीन का इस्तेमाल किया है क्रिस्टल प्रोटीन के इस्तेमाल के लिए, इसलिए इसका इसके नाम के पहले क्या जोड़ देते हैं बीटी, तो बीटी कॉटन का हम इस्तेमाल किए, बैसिलस थुरिनजिएंसिस जो है ये इसका जीन आ गया इसमें, और ये क्या किया जैसे इसको ईट करेगा इसके इंटेस्टाइन में मिड गट के एपिथेलियम वाल में जाके स्वेलिंग कॉर्पोरेशन क्रिएट कर देगा, जैसे स्वेलिंग हो जाएगी और ये डेथ कर जाएगा। तो इस तरह से क्या हुआ कि हम बीटी कॉटन बना सकते, ऐसे बहुत से प्लांट बना सकते, जैसे बीटी कॉटन तो फूड के तौर पर नहीं यूज करते हैं, बीटी बैगन लेकिन यूज करते हैं, तो उस पर बहुत कंट्राडिक्शन है। तो बीटी कॉटन जो है मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज किया जाता है, तो इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। इसके अलावा जो पढ़ा था एक एग्रीकल्चर में ही कि एक निमेटोड होता है मेलाडोगाइनी इनकॉग्निशिया, तो ये क्या होता है जैसे जानते हैं कि निमेटोड जो होता है बहुत ही क्या होता है, निमेटोड जो होता है वो क्या होता है पैरासाइट होता है प्लांट पे भी और एनिमल पे भी, और एनिमल में क्या ह्यूमन को भी उसने इंक्लूड किया है, ह्यूमन को भी डिजीज कैच करता है। तो इसमें जैसे ह्यूमन में स्केरियसिस हो गया, ये सब है मान लो प्लांट्स के बारे में हम कंसर्न करते हैं। तो ये क्या करता है, टोबैको एक पौधा होता है तम्बाकू जिससे निकलता है, बहुत ही इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट प्लांट है किसी भी नेशन के लिए अगर वो उसकी प्रोडक्टिविटी है तो ये क्या इसकी जो रूट है, तो रूट क्या रूट में क्या करता है वो जो जो निमेटोड है ये जाके यहीं पे इन्फेक्ट करता था, और इसी रूट में जैसे ये रूट है रूट के तो इसी में नॉट काज करता था, गांठ की जैसा बनता था, उसको कहते हैं रूट नॉट डिजीज, रूट नॉट डिजीज। अब इसको हमको रोकना था, तो इसके लिए हम लोगों ने एक टेक्निक पढ़ा था आर एन ए आई टेक्निक, आर एन ए इंटरफेरेंस टेक्निक, या इसी को दूसरा नाम था जीन साइलेंसिंग करना, जीन साइलेंसिंग करना। तो इसमें हम क्या काम करते थे कि कोई मान लो डीएनए है इसका एक्सप्रेशन हो रहा है आर एन ए, आर एन ए से क्या बनता है प्रोटीन बनता है,
अगर ये हो गया पर्टिकुलर जीन का एक्सप्रेशन हो रहा है तो इसी का mRNA बना, इसी के प्रोटीन। और इसी समय अगर कोई हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट कोई बाहर से कोई इसका mRNA का कम्प्लीमेंट्री कॉपी बना दे, बाहर से कोई इंट्रोड्यूस कर दे इसमें, ये 5' टू 3' और 3' टू 5', और ये इसी के कम्प्लीमेंट्री हो जाए, तो ये वाला जो इस ये जो जा रहा है ऐसे ऐसे, ये तो जीन ऑफ एक्सप्रेस जीन का एक्सप्रेशन हो रहा है, लेकिन जैसे ही बाहर से हमने इसको क्या कर दिया, ऐड कर दिया इसको RNA लेवल पे ही, तो ये क्या कर देता है कि ये जो बना देगा डबल स्टैंडर्ड RNA बना देगा, और इस तरह से ये क्या होगा, फर्दर ट्रांसलेशन नहीं होगा, ये स्टेप रुक जाएगा, और ये जीन का एक्सप्रेशन नहीं होगा, जीन साइलेंट हो जाएगा, इसलिए इसके RNA में इंटरफेरेंस हो गया ड्यू टू एडिशनल कॉपी ऑफ एन RNA डेट मेक डबल स्टैंडर्ड RNA। तो इस तरह से क्या है, डबल स्टैंडर्ड RNA बन गया, और ये क्या प्रोटीन फर्दर एक्सप्रेस नहीं कर पाया, इसलिए जीन साइलेंस हो गया, इसको RNA इंटरफेरेंस करते हैं। ये वाली जो टेक्निक थी वो प्लांट में खुद ट्रांसजेनिक बनाने के लिए एग्रो बैक्टीरियम का इस्तेमाल किया गया था, एग्रो बैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस का। तो इसमें कौन सा प्लाज्मिड था, TI प्लाज्मिड, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड में हमने क्या कर दिया था कि इस तरह के सेंस एंटीसेंस दोनों स्ट्रैंड को डबल स्ट्रैंड RNA को इंट्रोड्यूस किया था, जिससे क्या हो गया था, इसमें ये बन रहा था RNAi सक्सेसफुली हो गया। तो ये बहुत ही सुटेबल नोवेल टेक्निक थी RNAi की, जिससे हम क्या कर सकते थे, बचा लेते थे। उसके बाद फिर आता है जो है वो बायोटेक्नोलॉजी, जो था इन मेडिकल मेडिसिन या मेडिकल साइंस में क्या इस्तेमाल इसका। तो मेडिकल साइंस में हमने एक चीज़ पढ़ रखा था कि ह्यूमन इंसुलिन जो रिकमेंडेड इंसुलिन था, ह्यूमन इंसुलिन कैसे बनाते हैं और क्या था। तो हमने ह्यूमन इंसुलिन क्या क्या पढ़ रखा था, हमने इंसुलिन पढ़ा था कि जो होता है दो वो पॉलीपेप्टाइड होते हैं, चेन ए चेन बी दोनों को डाइसल्फाइड बांड से जोड़ना होता है। तो ई कोलाई में एक कंपनी थी, ईली लिली अमेरिकन कंपनी थी, ईली लिली, उन्होंने क्या किया था कि ई कोलाई में दोनों स्टैंड अलग अलग प्रोड्यूस किए थे, उसको फिर कंबाइन करके डाइसल्फाइड बांड जोड़ के ये के फाइनली प्रोड्यूस किए थे। ये ऐसा रिकमेंडेंट जो इंसुलिन था, RDNA वाला इंसुलिन, रिकमेंडेंट इंसुलिन RDNA वाला इंसुलिन जो था, इसकी खास बात ये थी कि ये जो थे एलर्जी नहीं थे, जैसे कि पहले जो सोर्स ऑफ डायबिटिक पेशेंट थे उनको इंसुलिन जो चाहिए था तो वो किसी मवेशी या कोई कैटल या इन सब के जो इंसुलिन था उसका इस्तेमाल करके मार्केट में आता था, तो वो बहुत ज़्यादा एलर्जेटिक हो जाता था। उससे बचने के लिए इन्होंने क्या काम किया कि हम लोगों ने बायोटेक्नोलॉजी के मेडिकल क्लिनिक के जो जीन इंसुलिन को इनकोड कर रहा है उस जीन को आइडेंटिफाई किया, उसको जीन ट्रांसफ़र किया। उसके बाद क्या किया, फिर हमने ये देखा कि उसको अलग अलग जब ट्रांसफ़र करने के बाद देखा कि अलग अलग पॉलीपेप्टाइड बन रहा है। प्रॉब्लम यही थी कि ए अलग बन रहा है, बी अलग बन रहा है, तो दोनों को जोड़ना है, तो डाइसल्फाइड बांड में। तो ईली लिली एक कंपनी थी जिन्होंने क्या किया, इसको सक्सेसफुली कर दिखाया, और इसके बाद क्या हुआ, ह्यूमन इंसुलिन आसानी से आज मार्केट में अवेलेबल है। इस ये रिकमेंडेड इंसुलिन था, इसके लिए ह्यूमुलिन कहते थे। अब अगली बात आती है जो जो इतना सब कुछ पढ़ लिया हम लोग, ये कल की बात थी कि ये रिवीजन था कि हाँ कल क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं, ये जो सारी चीज़ें पढ़ी है, अब मेडिकल साइंस में एक तो ह्यूमन इंसुलिन हो गया, अब दूसरा क्या है, मेडिकल साइंस में हम लोगों ने ये हमको पढ़ना है कि जीन थेरेपी कैसे करते हैं। मेडिकल साइंस में हम क्या करते हैं, डिफेक्टिव जीन को कैसे हम सही कर सकते हैं। तो जीन थेरेपी के लिए हम लोग क्या करते हैं कि किसी जीन थेरेपी का मतलब होगा कोई डैमेज जीन है उसको हम क्या करते हैं, उसको डिफेक्टिव जीन को उसको क्या है, सही जीन को लगा के उसको सही कर दें। तो देखते हैं उसमें क्या है, देखो ये है जीन थेरेपी वाला। ये है देखो, इसमें हम क्या करते हैं कि जीन थेरेपी करेंगे। जीन थेरेपी में क्या होता है, पहले थोड़ा इसके बारे में समझते हैं कि थेरेपी क्या है। तो जैसे कोई मान लो कोई ऑर्गेनिज्म, इसका ये ऑर्गेनिज्म है, इसका ये DNA है। अब ये जो DNA है उसका कोई एक सेल है, उसमें ये वाला जो जीन है वो क्या हो गया, डिलीट हो गया। क्या हो गया, डिलीट हो गया। तो जब डिलीट हो गया ये जीन, तो फिर क्या हो गया, या डिलीशन हो गया, मान लो डिलीशन इस जीन का हो गया, तो डिलीशन हो गया, तो इसका फंक्शन जो होगा, इससे जो RNA बन रहा था, जिससे जो प्रोटीन बन रहा था, इससे जो एंजाइम बन रहा था, वो सब खत्म हो जाएगा। तो ऐसे ही एक प्रॉब्लम होती है जिसको कहते हैं कि जैसे कि कोई ये T4 लिम्फोसाइट्स होते हैं, लिम्फोसाइट्स होते हैं, ये सेल है मान लो, इसका नाम क्या है, लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट सेल है। अब लिम्फोसाइट सेल के में जो है वो मान लो कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो DNA, उसमें एक कोई जीन है वो डिफेक्टिव हो गया या डिलीट हो गया। ये जो जीन था मान लो ये DNA था, इसमें एक जीन जो है वो डिलीट हो गया, इसमें क्या हो गया, डिलीशन। अब इससे जो प्रोटीन था, जो जो ये जीन था, उसका जीन का नाम मान लो ए जीन था,
ए जीन, ए जीन से क्या बनता था, ए आर एन ए, एम आर एन ए, एम आर एन ए बना, इससे एक प्रोटीन बनता था, वो प्रोटीन बन गया, उसमें उस प्रोटीन का प्रोसेसिंग होता था, उस प्रोटीन के प्रोसेसिंग होने के बाद क्या बनता था, एक इंजाइम बनता था जिसका नाम था एडीए, एक इंजाइम था ये, लिम्फोसाइट का सेल लिए, उसमें एक पर्टिकुलर जीन था जिससे जिसका एक्सप्रेशन होता था, एम आर एन ए बनता था, उसमें वो एम आर एन ए से क्या बनता था, प्रोटीन बनता है, प्रोटीन से क्या बनता है, एडीए एक इंजाइम बनता था, एडीए का पूरा नाम है एडिनोसिन डियामिनेज इंजाइम जो है, तो वो इंजाइम क्या काम करता था कि हमारे जो इम्यून रिस्पॉन्स है उसको मेंटेन करता था, तो लिम्फोसाइट के काम ही है जानते हो, तो उसमें कौन सा इंजाइम जो होता है इम्यून रिस्पॉन्स के लिए हेल्पफुल है, तो वो कहोगे एडीए। तो एडीए क्या करता था ये, अब अचानक से इस वाले ए जीन में डिलीशन हो जाए, ए वाले जीन का क्या हो जाए, डिलीशन हो जाए, तो ये जो जीन डिलीट हो जाएगा जब, तो इस ये ना एम आर एन ए बनेगा, ना ही प्रोटीन बनेगा, ना ही एडीए इंजाइम बनेगा, तो ये इंजाइम का जो होगा इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो इम्यूनिटी क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी, तो जब इम्यूनिटी वीक हो जाएगी तो इसको एक डिजीज हो जाएगा, स्किड, क्या हो जाएगा, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी डिजीज हो जाएगी, मतलब कि इम्यूनिटी इसकी क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी, वीक होने के बाद क्या हो जाएगी उसको एक होता, तो इसलिए जब भी कभी देखोगे एडीएस स्किड लिखा जाता है, जैसे एचआईवी वाला भी सिमिलर है कि उससे भी क्या है एससीआईडी होता है, तो एससीआईडी जब कभी आए तो इसको लिख लेना कि हाँ ये सीवियर, सीवियर यहाँ देखो लिखा हुआ है सीवियर कंबाइंड इम्यूनो इम्यूनो डिफिशियंसी डिजीज इज ड्यू टू द डिफेक्टिव जीन ऑफ एडीनोसिन डियामिनेज, तो ये स्किड है, स्किड क्या है कि सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी डिजीज है, तो ये हो जाता है, तो अब हमको क्या करना है कि इसको क्योर करना है, इस वाले को ये जो था इसको क्योर करना है, इसको बचाना है, इस डिजीज़ को हमको रिप्लेस करना है, तो रिप्लेस करने के लिए हमको क्या करना है, ये कोई अगर जीन मिल गया, फिर से ए जीन मिल गया और इसको हम अगर यहाँ इंसर्ट कर दें तो फिर से फंक्शनल हो जाएगा। अब बात आती है कि अगर ये मिल के यहाँ रिप्लेस कर दिया तो इसी को कह देंगे जीन की थेरेपी हो गई, मतलब जीन सही कर दिया गया, इसके लिए कई स्टेप्स हैं, तो वो हम देख लेते हैं कि एनसीईआरटी में कैसे कैसे, तो ये बच्चों में होता है, तो अगर मान लो एडीए की डिफिशियंसी, ये इम्यूनिटी डिफिशियंसी हो, तो इसमें क्या होता है कि डायरिया होने लगता है, रैसेस पड़ जाते हैं, ये सब कुछ सिम्टम है उसके जो कि इससे मिलते जुलते हैं, तो इसमें क्या होता है कि ये बच्चों में ज़्यादा होता है, 6 महीने के बाद ही मतलब पता चलने लगता है कि हाँ इसमें एडीए है की डिफिशियंसी है या नहीं है, तो इसके लिए जो क्या क्या किया जा सकता है, तो ये देखो सबसे पहले क्या है कि अगर हम इफ़ ए पर्सन बॉर्न विद द हेरिडिटरी डिजीज, ये हेरिडिटरी डिजीज है, कैन करेक्टेड थेरेपी बाई सच डिजीज, अगर उसको जीन थेरेपी हम कर दें तो सही कर दें, जीन थेरेपी अटेम्प्ट टू डू दिस, इसको करने के लिए जीन थेरेपी है, जीन थेरेपी इज द कलेक्शन ऑफ मेथड डेट अलाउ द करेक्शन ऑफ ए जीन डिफेक्ट डेट हैज़ बीन डायग्नोस्ड इन ए चाइल्ड एम्ब्रियो, अगर शुरू में बच्चे में पता चल जाए या एम्ब्रियो एम्ब्रियोनिक स्टेज पर पता चल जाए, जितना अर्ली डायग्नोस होगा पता चल जाएगा, जैसे एम्ब्रियोनिक स्टेज में हो जाएगा तो बहुत बेस्ट है, उसी में हम जीन थेरेपी कर देंगे तो सबसे अच्छा हो जाएगा, वो परमानेंट क्योरेटिव हो जाएगा, लेकिन अगर थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो वो क्योर करना बहुत मुश्किल है। हेयर जीन आर इंसर्टेड इन द पर्सन सेल्स एंड टिश्यू टू ट्रीट द डिजीज, डिजीज को ट्रीट करने के लिए क्या होता है, जो जीन थेरेपी के लिए जो ए जीन था जो बताया था जो एडीए बनाता था उसको हम क्या करेंगे, बाहर से इंट्रोड्यूस करेंगे, करेक्शन आर डिफेक्टिव जीन इन्वॉल्व द डिलीवरी ऑफ नॉर्मल जीन इन टू द इंडिविजुअल या एम्ब्रियो, या तो इंडिविजुअल में बड़ा हो गया तो इंडिविजुअल में ट्रांसफर करो, या तो एम्ब्रियो में ट्रांसफर करो, टू टेक ओवर द फंक्शन एंड अटेम्प्ट कंपनसेट द नॉन फंक्शनल जीन, ये अटेम्प्ट किया गया। अब इसमें देखो सबसे पहले टाइम क्लिनिकल जीन थेरेपी वाज गिवन टू 1990 में दिया गया था, वो 4 ईयर ओल्ड गर्ल्स को दिया गया था जिसमें ये डिफिशियंसी थी, एडीनोसिन डियामिनेज एंजाइम की डिफिशियंसी थी, तो ये किस किस वजह से हुई होगी, तो इसमें क्या हुआ था कि डिलीशन हो गया था, द एंजाइम इज क्रूशियल फॉर इम्यून सिस्टम टू फंक्शन, द डिसऑर्डर इज कॉज बाय ड्यू टू डिलीशन, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है, किसकी वजह, एडिशन की वजह से कि डिलीशन की वजह से, तो डिलीशन ऑफ एडीए जीन, तो ऑफ जीन फॉर एडीनोसिन डियामिनेज इन सम चिल्ड्रेन एडीए डिफिशियंसी कैन बी क्योर बाई बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, अब ये कह रहा है कि अगर हम बोन मैरो जो होता है स्टेम सेल जिसको कहते हैं बोन मैरो में अगर हम क्या कर दें, ट्रांसप्लांट कर दें, बोन मैरो का ट्रांसप्लांट कर दें स्टेम सेल्स का, तो ये क्योर हो जाएगा, लेकिन ये है कि इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये परमानेंट क्योर नहीं होगा, तो इन सम इन अदर्स इट कैन बी क्रिएटेड बाई इंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, जिसमें कुछ इंजाइम रिप्लेसमेंट इन विच फंक्शनल एडीए इज गिवन टू द पेशेंट बाई इंजेक्शन, बट प्रॉब्लम विथ बोथ दीज अप्रोच डेट नॉट कम्प्लीटली क्योरिटी, मतलब या तो तुम पहला क्या कर दो बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन कर दो,
ब्योन मैरो का ट्रांसप्लांटेशन कर दे, दूसरा क्या कर सकते हैं, इंजेक्शन के थ्रू जो ऑलरेडी इंजाइम्स हैं उनको हम दे सकते हैं। तो ये लेकिन दोनों की प्रॉब्लम ये है कि ये परमानेंट क्योरिटी नहीं, इसको इंटरवल पे रेगुलरली करना पड़ेगा। तो ये यही इसकी प्रॉब्लम है कि अगर हम जो अगर डिफेक्टिव जीन हो गया है तो बोन मैरो का ट्रांसप्लांटेशन करके, या फिर हम क्या कर सकते हैं फंक्शनल एडीए जीन को, एडीए को इन विच फंक्शनल एडीए मतलब जो इंजाइम है गिवेन टू द पेशेंट बाय इंजेक्शन से, अगर हम इंजाइम को दें उसको, तो तब भी वो क्या करेगा, वो परमानेंट क्योरिटी नहीं, उसको फिर पीरियोडिकली कराना ही पड़ेगा। उसके बाद तब आती है हमारी बायोटेक्नोलॉजी जो हमको बताती है कि नहीं, हम अगर चाहें तो उसको जीन थेरेपी करके मतलब उस जीन को ही रिप्लेस कर दे परमानेंटली, जो बार बार इसकी ज़रूरत पड़ती है वो ना होने पाए। तो एनएसटेट मेड एंड एज ए फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स द जीन थेरेपी, लिम्फोसाइट फ्रॉम ब्लड सेल्स पेशेंट आर ग्रोन इन द कल्चर आउटसाइड द बॉडी ए फंक्शनल एडीए सीडीएनए। अब इसने ये क्या किया कि जीन थेरेपी में इन्होंने ये काम किया कि सबसे पहले क्या काम किया कि सबसे पहला स्टेप इन्होंने लिया कि लिम्फोसाइट को, जैसे ये ब्लड है, ये ब्लड है तो ब्लड में बहुत से पार्टिकल है, WBCRB सब कुछ है, तो उसी WBC में लिम्फोसाइट को उन्होंने लिया, लिम्फोसाइट को लिया, लिम्फोसाइट को एक पेट्री प्लेट था, पेट्री प्लेट या कह सकते हो कि कल्चर प्लेट जो मीडिया इन विट्रो करते हैं टिश्यू कल्चर में, इन विट्रो जो होता है इसको इन्होंने ग्रो कराया। अब इन विट्रो ग्रो कराने के बाद क्या किया कि अब ये सेल्स आ गए, अब इस सेल्स में इन्होंने रेट्रोवायरस का इस्तेमाल किया, रेट्रोवायरस का इस्तेमाल करके रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो डिसार्म, ये इसको डिसार्म कर देते हैं रेट्रोवायरस के लिए, तो हम इसके लिए फ्रिक्वेंटली यूज करते जानते हैं एनिमल के लिए जीन ट्रांसफर के लिए रेट्रोवायरस, डिसार्म रेट्रोवायरस बहुत ही बेस्ट होता है। तो रेट्रोवायरस का हम इस्तेमाल करके इसमें, इसी में इंट्रोड्यूस कर दिए वो जो एडीए डिफिशियंसी जो जीन, एडीए वाली जो जीन थी इसमें कर दिए। अब इस लिम्फोसाइट को फिर से प्लांट के उसके ह्यूमन के बॉडी में जो जो डिफेक्टिव था उसके में इंसर्ट कर दिए। क्या क्या काम किए, सबसे पहले तो क्या किए, जो आर्गेनिज्म जो एडीए डिफिशियंसी थे उसके लिम्फोसाइट को लिया, उसको कल्चर मीडियम बहुत सारे सेल्स बना लिए, उसमें फिर से क्या रेट्रोवायरस का इस्तेमाल करके हम डिफेक्टिव जीन को इस जो जो वो ट्रांसजेनिक जो डैमेज जीन था एडीए जीन उसको हमने इंसर्ट करा लिया। इंसर्ट कराने के बाद फिर से इसको ट्रांसफ्यूज कर दिया इसमें। अब बात ये है कि चलो ये लिम्फोसाइट है, इसमें तुम्हारा एडीए वाला जीन आ गया, पहले नहीं था, फर्स्ट स्टेप में तो नहीं था लेकिन सेकेंड स्टेप में है कि जो जा रहा है, लेकिन ये कि इसकी एक लाइफ टाइम है ना, मान लो कुछ दिन तक जिंदा रहेगा, फिर डिवाइड तो हो नहीं रहा, तो ये फिर क्या हो जाएगा, डेथ हो जाएगा इसकी, तो ये फिर पीरियडिकली इसको चाहिए, तो फिर ये भी परमानेंट सोल्यूशन नहीं हुआ कि पीरियडिकली फिर इसको ट्रांसफ्यूजन कराना पड़ेगा, तो फिर जीन थेरेपी का मतलब क्या हुआ। तो इसमें ये था कि अगर ये चीज़ ये बड़ा हो गया तब, अगर ये इम्ब्रियो स्टेज में अगर ऐसा कर दिया जाए, इम्ब्रियो के स्टेज में ही उसको क्या कर दिया है, अर्ली इम्ब्रियो स्टेज में ही अगर एडीए जीन को इंट्रोड्यूस कर दे बोन मैरो में, तब अगर बोन मैरो का सेल निकाल के अर्ली ही इंट्रोड्यूस कर दिए एडीए जीन को, तब वो जैसे ही बड़ा होगा वो परमानेंट क्योर हो सकता है। तो क्या हमने समझा कि बोन मैरो से क्या अगर बच्चा बड़ा हो गया है, या फिर बच्चा ही है मान लो 4 साल का है, 3 साल का है, ऐसे करके, तो उसमें या फिर परमानेंट क्योर करने के लिए क्या करना होगा कि वो इस तरह का हम रेट्रोवायरस का इस्तेमाल करके डिसार्म रेट्रोवायरस का उसका क्या कर सकते हैं, वो एडीए का जो लिम्फोसाइट बना सकते हैं और उसको ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं, लेकिन वो परमानेंट नहीं होगा, एक सर्टेन डेज के बाद वो मर जाएगा जो लिम्फोसाइट्स है। लेकिन फिर उसके बाद कह रहे हैं कि अगर इसको परमानेंट क्योर करना है तो अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही इसको क्या करते हैं, बोन मैरो में ट्रांसप्लांट कर दीजिए, जिससे क्या हो सकता है, ये परमानेंटली क्योर हो सकता है। तो हम लोगों ने ये पूरा क्या क्या पढ़ा है, हम लोगों ने ये पढ़ा है कि एडीए जो होता है एक इम्यूनिटी से रिलेटेड डिजीज़ है, जो कि क्या होता है, एडीए है कोई पर्टिकुलर जीन है, अगर उसमें कोई डैमेज हो जाए तो वो क्या कर सकते हैं कि उसको हम जीन थेरेपी की वजह से मदद से हम क्या करते हैं, उसको सही कर सकते हैं। अब ये जो हमने रेट्रोवायरस वाला हमने बात बताई थी, देखो यहाँ पे ये है, इसमें दिख रहा होगा कि कैसे इन्होंने रेट्रोवायरस का इस्तेमाल करके जो अभी बताया था कि कैसे पीरियोडिकली ट्रांसफ्यूजन करते हैं हम लोग, तो उसमें हम क्या करें, रेट्रोवायरस का इस्तेमाल करेंगे, रेट्रोवायरस के इस्तेमाल करने के बाद क्या काम करेंगे, उसको फिर लिम्फोसाइट में क्या कर देंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे। अब यहाँ देखो ये है, ये देख रहे हो कि यहाँ पे ये था तुम्हारा बैक्टीरियम है, और बैक्टीरियम में ये क्लोन डीएनए है, क्लोन डीएनए जीन इनकॉर्पोरेट इन द वायरस, वायरस में इनकॉर्पोरेट कर दिया गया, इसको इधर थोड़ा लेके आ जाए, जो
गया। देखो इसमें क्या किया गया है कि बैक्टीरियम कैरिंग प्लाज्मिक क्लोन विद द नॉर्मल ह्यूमन एडीए जीन से कर दिया गया, रेट्रोवायरस को क्या कर दिया गया, डिसार्म कर दिया, डिसेबल कर दिया गया, जो अपना डिजीज ना काज कर पाए। फिर उसके बाद लिम्फोसाइट लिया हम लोगों ने, किसी मानो इंडिविजुअल है इसके बाद डिफेक्टिव, उसका लिम्फोसाइट लिया, उसमें ये रेट्रोवायरस का इन्फेक्टेड कराया गया, T4 लिम्फोसाइट, जो T लिम्फोसाइट्स होते हैं उनमें, फिर ट्रांसफर एडीए जीन यहाँ पे हो गया, फिर उसको क्लोन और ग्रोइंग कल्चर फिर ग्रो कराया, फिर से ये आ गया, जो जीन ऑफ इंटरेस्ट था वो आ गया। अब ये जो होगा इसको ट्रांसफ्यूज करता है, जेनेटिकली अल्टर द सेल री इम्प्लांटेड प्रोड्यूस एडीए, अब इसमें देगा लेकिन कुछ समय बाद ये डेड कर जाएगा, तो ये परमानेंट क्योर नहीं होगा इस तरह का। तो इस तरह से हम क्या रेट्रोवायरस के इस्तेमाल करके इस कीट से इससे छुटकारा पा सकते हैं, लेकिन कुछ समय के लिए। अगर परमानेंटली चाहिए तो बोन मैरो में ही इस जीन को ट्रांसफ़र कर दीजिए, तभी ये क्या हो सकता है, परमानेंटली क्योर हो सकता है। अब आती है बात, ये जीन थेरेपी की पूरी हो गई बात की, हाँ ये ऐसे ऐसे किया गया था, और कौन सा वेक्टर यूज होता है, रेट्रोवायरस ये आता है एग्जाम में एडीए के लिए, cDNA बनाते हैं कम्प्लीमेंट्री डीएनए। रेट्रोवायरस क्या होता है, रेट्रोवायरस का मतलब ये होता है कि जिसमें जेनेटिक मटेरियल आरएनए है, इसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इंजाइम से हम क्या बनाते हैं, डीएनए बनाते हैं। तो जो ऐसे कोई भी जो ऑर्गेनिज्म जिसमें इस तरह का जेनेटिक मटेरियल और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का यूज करके डीएनए बनाता हो, उसको हम क्या कहेंगे, रेट्रोवायरसेस कहेंगे। तो ऐसे ही है, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, तो यहाँ पे देखो लास्ट में लिखा है, हाउ इफ जीन आइसोलेटेड फ्रॉम द बोन मैरो सेल प्रोड्यूसिंग एडीए इंट्रोड्यूस इनटू द सेल एट अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज इट कुड बी परमानेंट क्योर। तो ये हम इससे परमानेंट क्योर कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं क्या है, अब बायोटेक्नोलॉजी जो है मेडिकल में अब आता है मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में। तो आज पता ही है कि मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस कितना इंपॉर्टेंट है, जैसे अभी देखो कोविड का जो वो चल रहा है, कोरोना वैक्सीन जो लग रहे हैं, तो हमको जो कोविड की टेस्टिंग होती थी तो वो क्या करता है, अर्ली डिटेक्शन की चाहिए थी ज़रूरत। पहले लोगों में क्या होता था, पहले क्या करते थे कि जैसे कोई मान लो, देखो सबसे पहले तो कोई मान लो कोई इंडिविजुअल है, इसको कोई मान लो पैथोजन इन्फेक्ट किया, तो पैथोजन जब इन्फेक्ट किया तो इसके बॉडी में चला गया, बॉडी में चला गया इसको पता ही नहीं है, कम से कम 10 दिन चला गया, 10 डे चला गया। अब यहाँ पे कुछ अपनी पॉपुलेशन को इंक्रीज कर लिया, बहुत ज़्यादा इंक्रीज किया, इसको पता ही नहीं चला, 10 दिन के बाद इसने ये डेवलप किया सिम्टम डेवलप किया, तब जब तक सिम्टम पता चला तब तुम गए डॉक्टर के पास, डॉक्टर से क्या क्या मेडिसिन लिए, इतने दिन के बाद 10 दिन के बाद, तब तक ये अपनी पॉपुलेशन के बहुत ज़्यादा बढ़ा चुका था। तो इस तरह से क्या हुआ कि ये जो सिम्टम होते हैं वो हमारे हमें बचाते हैं किसी पर्टिकुलर रोग से, ताकि हम अवेयर हो जाए। तो ये जब ये कोई मान लो पैथोजेन आया, जैसे कि बैक्टीरिया हो सकता है, फंजाई हो सकता है, ये कुछ भी आया, अब ये क्या काम किया कि उसमें 10 डेज तक रहा, फिर बाद में 10 डेज बाद जो सिम्टम डेवलप किया, फिर डॉक्टर के पास गया तब मेडिसिन लिया। तो इस डॉक्टर ने चेक चेकअप के लिए लिखा, तो इसमें तुम्हारा लिख दिया कि यूरिन का जाओ चेकअप कराओ, तुम्हारा ब्लड का चेकअप कराओ, ये सब सीरम का चेकअप कराओ, ये सब चीज़ों को क्या कहा है कि चेकअप कराओ, जिसमें हमको पता चला कि हाँ कोई आया है कि नहीं पैथोजन कि नहीं। तो तब तक बहुत लेट हो चुकी थी, और क्या हो गया, तुम इन्फेक्टेड हो चुके थे। तो अब यहाँ पे ज़रूरत इस चीज़ की थी कि जैसे ही कोई इन्फेक्शन आए तो हम पीरियडिकली या कह सकते हो कि थोड़ा सा भी जो सिम्टम लगे कुछ ऐसा हो जाए जो जो हमको बता दे कि हाँ नहीं ये इन्फेक्शन, ये जो पर्टिकुलर पैथोजन हमारे बॉडी के अंदर आ सके, आ गया है कि नहीं। मतलब ये होगा कि जो भी तुम अब इंस्ट्रूमेंट यूज करोगे, इंस्ट्रूमेंट जो यूज करोगे वो बहुत ही सेंसिटिव हो, किस पर्पज़ के लिए, जो भी छोटे से भी अगर अमाउंट में, जैसे ये मान लो बैक्टीरिया का डीएनए है और किसी ह्यूमन में ये चला गया बैक्टीरिया के डीएनए, तो ये बैक्टीरिया के डीएनए का एक सीक्वेंस, पर्टिकुलर सीक्वेंस होगा। अगर मान लो ये टाइफाइड का सीक्वेंस है, ये मान लो दूसरा हो सकता है कि इसका हो गया, क्या कहते हैं तुम्हारा कोविड का है, फंगस मान लो वायरस का है, कोविड का है, ये चला गया, हम कुछ ऐसा टेक्निक करेंगे, इसका तो डीएनए आरएनए बहुत छोटा है, तो ये चला है इसकी बॉडी में, हमको इसको आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई करना है, तो हम कुछ ऐसी टेक्निक इस्तेमाल करेंगे जो जल्दी से पता बता दे कि हाँ तुरंत क्विक सेंसिंग करके बता दे कि छोटे से ये अमाउंट अगर हमारी बॉडी में आया तब भी हम बता सकते हैं कि हाँ है कि नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके जी जो डीएनए है या जीन है उसको एम्पलीफाई करेंगे, जीन को एम्पलीफाई करेंगे, जीन को बताएंगे। तो इसके लिए हमने क्या पढ़ा था, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पीसीआर में क्या कहा गया था, इसमें क्या गया कि कोई भी अगर छोटा सा भी जीन दे दोगे तो उसकी बिलियन कॉपी हम 30 साइकिल में बना देंगे, और 30 साइकिल में 1 बिलियन कॉपी बना देंगे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, उसका पीसीआर कर देंगे, क्या कर देंगे, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अगर मान लो जो जो इन्फेक्शन हुआ है वो आरएनए जेनेटिक मटेरियल रखता है, तो उसके लिए हम दूसरा एक पीसीआर होता है, उसका टाइप है आरटीपीसीआर,
रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पीसीआर। तो जो कोविड वाला था वो आरएनए जेनेटिक मटेरियल रखता था, इसमें हम लोग किसका इस्तेमाल करते थे, आरटीपीसीआर का टेस्ट कराते थे। तो दो तरह के टेस्ट हो गए, एक तो हो गया कि मालकुलर हो गया, एक हो गया फिजियोलॉजिकल या एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट हो गया। तो सबसे पहला जो वाला है तो सबसे बेस्ट तो मान लो एक जानते ही हो कि अगर हमको मान लो कोविड इन्फेक्ट किया है या फिर कोई भी पैथोजन इन्फेक्ट किया है, जैसे मान लो ये कोई डीएनए ये इन्फेक्ट किया, वायरस ये या कोई बैक्टीरिया है इन्फेक्ट किया है, तो इसका अगर डीएनए हमको अगर पीसीआर कर देंगे तो तुरंत हमको ये पता चल जाएगा ये डीएनए आया है कि नहीं है, कोविड का डीएनए आया है कि नहीं, टाइफाइड का आया कि नहीं, तो ये तो बहुत सुटेबल है। दूसरा क्या हो सकता है कि कोई पैथोजन आया है तो जो कोई भी बाहर, जैसे कोई इंडिविजुअल है, कोई बाहर से कोई भी पार्टिकल अगर हमारे बॉडी में आए उसको हम एंटीजन कहते हैं। कोई भी जो वो आए पार्टिकल बाहर से जो आए उसको हम क्या कहेंगे, एंटीजन। जैसे ही बॉडी में आएगा, ये बॉडी में आया जैसे ही, तो ये हमारी भी जो बॉडी होती है इसको रिस्पॉन्स करने के लिए अपने सैनिक को बनाती है, उसको कहते हैं एंटीबॉडी। एंटीबॉडी बनाती है तो इससे लड़ने के लिए, इससे लड़ने के लिए एंटीबॉडी बनाती है। तो अगर ये पूछा जाए कि चलो मान लो कोई एक्स एंटीजन आया, तो हमारी बॉडी जो है एक्स से लड़ने वाला एक्स एक्स एंटीजन बनाएगा, सॉरी एंटीबॉडी बनाएगा। एक्स एंटीजन आया तो उसके लिए एक्स एंटीबॉडी बनाएगा। तो अगर हम एक्स एंटीबॉडी का ही अगर हम टेस्ट करें कि एक्स एंटीबॉडी तभी होगा, वर्क करेगा जब एक्स एंटीजन आया होगा। अगर मान लो हम लोग को टाइफाइड हुआ है, टाइफाइड हुआ है, और टाइफाइड में क्या हो गया, टाइफाइड को हम मान लीजिए कि टी एंटीजन है, टाइफाइड वाला जो बैक्टीरिया है वो कैसा एंटीजन है, टी एंटीजन। टी एंटीजन आएगा तो हमारी बॉडी में तुरंत टी एंटीबॉडी बन जाएगा। तो जब हम टेस्टिंग करेंगे कि हमारे अंदर टाइफाइड आया है कि नहीं, तो हम एंटीबॉडी का टेस्ट कर लेंगे, एंटीबॉडी है कि नहीं। दूसरा किसका टेस्ट कर लेंगे कि टी एंटीजन है कि नहीं। तो इस तरह से हम क्या एंटीजन का भी टेस्ट कर सकते हैं, एंटीबॉडी का भी टेस्ट करके हम बता सकते हैं कि हाँ टाइफाइड है कि नहीं। तो देखो दो तरह की टेस्टिंग होगी, एक हो गया एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट इंटरेक्शन टेस्ट, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन टेस्ट, बॉडी इंटरेक्शन टेस्ट। दूसरा क्या होगा, पीसीआर वाला। तो सबसे ज़्यादा एडवांस ये है और ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी है। तो शुरू में अगर मान लो जैसे हमको टाइफाइड का टेस्ट कराना है तो हम क्या करेंगे, एंटीजन एंटीबॉडी से ही कन्फर्म कर लेंगे कि ज़रूरत है पीसीआर का। लेकिन जैसे कोविड वगैरह था तो उसमें भी एंटीजन एंटीबॉडी का करते थे, लेकिन अगर फाइनली कन्फर्मेटरी के लिए जाना होता था तो हम क्या करते थे, पीसीआर करते थे, आरटीपीसीआर। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, आज की जो पीसीआर एक बायोटेक्नोलॉजी की ही देन है ना, उसी का एक पार्ट है, तो उसका इस्तेमाल करके हम ये कर सकते हैं। तो ऐसे ही बहुत से टेक्निक है, मालकुलर उसको टूल कहते हैं, जो मालकुलर डायग्नोसिस में अगर मान लो चाहे कितना भी कोई बड़ा डॉक्टर हो, चाहे वो जब तक उसको प्रॉपर डायग्नोसिस करा के उसको पर्टिकुलर डिजीज़ के बारे में नहीं पता चलेगा, वो कैसे क्योर कर सकता है, कोई भी नहीं कर सकता। तो इस तरह से क्या करते हैं कि जो बायोटेक्नोलॉजी है वो यूज किया जा सकता है, किस लिए, इस इन सब पर्पज़ के लिए। अब आते हैं इसमें, पढ़ते हैं कि देखो क्या क्या ये कह रहे हैं कि यू नो दैट फॉर इफेक्टिव ट्रीटमेंट डिजीज, किसी भी डिजीज़ की इफेक्टिव ट्रीटमेंट के लिए अर्ली डायग्नोसिस बहुत ज़रूरी है। तो मान लो जैसे जब तक सिम्टम का तुम इंतजार कर रहे हो तब तक वो बहुत ज़्यादा डिजीज़ काज कर गया। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ मालिकुलर लेवल या एंटीजन एंटीबॉडी का इंट्रेक्शन का टेस्ट देखते हैं, एंड अंडरस्टैंडिंग इट पैथोफिजियोलॉजिकल इज वेरी इंपॉर्टेंट। यूजिंग कन्वेंशनल मेथड, जैसे पहले कन्वेंशनल करते जाओ सीरम का टेस्ट कराओ, यूरिन का एनालिसिस कराओ, तो क्यों नहीं आज हर के लिए पीसीआर करते हैं, तो वो बहुत एक्सपेंसिव है, इसलिए अभी भी ये यूज करते हैं हम, सीरम यूरिन का टेस्ट करते हैं। क्यों, क्योंकि जैसे बहुत ज़्यादा अगर दिक्कत नहीं समझ में आ रही है तो उस तरह के डिजीज़ के लिए हम इसी तरह का एनालिसिस कराते हैं। और बहुत से ऐसे पॉसिबल है कि जो ब्लड के सैंपल से ही पता चले, जैसे ग्लूकोज लेवल बताना है तो वो उसी से पता चलेगा, तो अर्ली डिटेक्शन इज़ नॉट पॉसिबल। ये बहुत इनसे बहुत अर्ली डिटेक्शन, जैसे वायरस इन्फेक्शन किया तो सीरम का एनालिसिस यूरिन करोगे तो उतना अर्ली डिटेक्शन उसके सिम्टम से पता चल जाएगा। रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, आरडीएनए टेक्नोलॉजी, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, देखो आ गया, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंटेशन, तो एंटीजन एंटीबॉडी वाला ये था, अब पीसीआर वाला ये था, आर सम टेक्निक दैट आर सर्व द पर्पज अर्ली डायग्नोसिस। अर्ली डायग्नोसिस कराना है तो एंटीजन एंटीबॉडी और अर्ली डायग्नोसिस। जैसे वायरस का था तो सिम्टम तो हमको मिल ही रहा था, लेकिन अगर सिम्टम अभी नहीं आया है तब भी अगर हम कोविड का अगर टेस्ट कराते थे आरटीपीसीआर, तो पॉसिबल था कि हाँ उसमें वो आ गया, अभी वो इन्फेक्शन के दौर में है, अभी कर रहा है और आगे फर्दर नहीं प्रोसीड करना है, तो उस पर मतलब प्रिकॉशन लेना शुरू कर दीजिए। प्रेजेंस ऑफ ए पैथोजन बैक्टीरिया या वायरस इज नॉर्मली सस्पेक्टेड ओनली वेन द पैथोजन हैज प्रोड्यूस डिजीज सिम्टम। हम जानते हैं तभी पता चलता है जब डिजीज सिम्टम होता, बट बाय दिस टाइम कन्वेंशनल पैथोजन कंसंट्रेशन ऑफ पैथोजन ऑलरेडी वेरी है। इस समय बहुत ज़्यादा पैथोजन कंसंट्रेशन होते हैं। हाउ एवर वेरी लो कंसंट्रेशन बैक्टीरिया एंड वायरस एट द टाइम वेन सिम्टम ऑफ डिजीज आर नॉट इट पॉसिबल कैन बी डिटेक्टेड बाई एम्प्लीफिकेशन ऑफ देयर न्यूक्लिक एसिड बाई पी सी आर। देखो यही बात कर रहा है कि
अर्ली डिटेक्शन करना है तो उसी के जेनेटिक मटेरियल को हम क्या कर दें, एम्प्लीफाई कर दें, पीसीआर से विलियन कॉपी बना दें। कैन यू एक्सप्लेन हाउ पीसीआर कैन डिटेक्ट द वेरी लो अमाउंट में? तो वो क्यों करता है? तो कहोगे कि वो थर्मो साइकिल होता है, वो क्या होता है, इतनी तेज साइकिल चलती है डीनेचुरेशन वो करके, ताकि वो क्या अर्ली डिटेक्शन में थोड़ा सा भी अगर डीएनए का सैंपल उसका आ गया है तुम्हारे मतलब सैंपल से, तो वो क्या एम्प्लीफाई कर देगा। पीसीआर इज नाउ रूटीनली यूज टू डिटेक्ट एचआईवी इन 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 सस्पेक्ट एड्स पेशेंट। एड्स के लिए भी बहुत ही फ्रिक्वेंटली पीसीआर का यूज़ किया जाता है। इट बींग यूज टू डिटेक्ट म्यूटेशन इन द जीन, अगर कोई जीन का म्यूटेशन हुआ उसमें भी कर सकते हैं। कैंसर पेशेंट के लिए भी यूज किया है। इट इज़ द पावर टू आइडेंटिफाई द मेनी अदर जेनेटिक डिसऑर्डर, मतलब डीएनए से रिलेटेड जितना भी होगा वो उसमें अगर हम पीसीआर कर देंगे तो बहुत बेस्ट टेक्निक है पीसीआर करने के लिए। बस इसकी एक थोड़ी ड्रॉबैक है, थोड़ी सी एक्सपेंसिव है इस औरों के कंपेयर में। अब ये दो टेक्निक दिया गया, पीसीआर को समझ लिए, इलाइजा समझना है। तो पहले तो सिंगल स्टैंडर्ड इस ये जो एनसीआरटी की लाइन निकली उसको कहते हैं ब्लॉटिंग टेक्निक। इसको क्या कहते हैं? ब्लॉटिंग टेक्निक। तो ब्लॉटिंग टेक्निक क्या होता है, उसमें हम क्या काम करते हैं कि इसमें सिंपली क्या करते हैं कि जेल, जैसे ये कोई ट्यूब था, इसमें तुम्हारा ये डीएनए है, और डीएनए का जो है यहाँ पे कौन सा जीन है, एक्स जीन है। इसको पता करना है कि हमारे जो सैंपल है उसमें इस वाले ट्यूब में, ए वाले में ये जो हमारा एक्स डीएनए जीन है कि नहीं है। तो हम इसके लिए पहले क्या करते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करने के बाद हमको ये पता चलता है कि ये वाला बैंड जो आया है वो तुम्हारा एक्स जीन है, तो हमको तो दिख तो रहा नहीं है। तो हम क्या यूज़ करते हैं इसको इसको चेक करने के लिए, यहाँ पे बनाते हैं प्रोब। क्या यूज़ करते हैं? प्रोब। प्रोब में क्या करते हैं, रेडियो लेबल्ड कर देते हैं, इस प्रोब को इसी पर पोर कर देते हैं। जब पोर करेंगे तो ये प्रोब जाके अगर इसी के कम्प्लीमेंट्री होगा, एक्स जीन जब हमको पता है, हमको पता करना है कि एक्स जीन है कि नहीं, तो एक्स जीन का जो कम्प्लीमेंट्री होगा उसी वही प्रोब यूज करेंगे। प्रोब को सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए या डीएनए जैसा भी वो हो सिचुएशन, उस तरह से हम इसका इस्तेमाल करेंगे। प्रोब को यहाँ पर पोर कर देंगे, और ये जैसे ही यहाँ ये मान लो ये प्रोब था तुम्हारा, ये आके यहाँ पे अगर हाइब्रिडाइज करेगा, और उसका फिर फाइनली ऑटो रेडियोग्राफी करा दो, ऑटो रेडियोग्राफी करा दोगे तो ये हाइब्रिडाइज बन जाएगा और ये ग्लो करेगा ऑटो रेडियोग्राफी में। तो ये ग्रो करेगा तो पता चल जाएगा हाँ एक्स जीन हमारे सैंपल में है। तो इस तरह से हम डिटेक्शन, ये भी एक तरह का डिटेक्शन है जीन, क्योंकि मान लो जैसे ये कोविड का जीन था और उसको हमको डिटेक्ट करना है, तो हम क्या कर सकते हैं इस ब्लॉटिंग टेक्निक से, क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ब्लॉटिंग टेक्निक एक तरह की कैसी टेक्निक है, डिटेक्शन टेक्निक, और जबकि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कैसी टेक्निक थी, सेपरेशन टेक्निक थी। तो ब्लॉटिंग टेक्निक में हमने क्या काम किया है कि किसी पर्टिकुलर जीन को पहचानने के लिए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करा के उस पर किसी प्रोब का इस्तेमाल करके हाइब्रिडाइज, ये डीएनए हाइब्रिडाइजेशन करा रहे हैं, डीएनए हाइब्रिडाइजेशन या हाइब्रिडाइजेशन किसी का भी हाइब्रिडाइजेशन करा के हम क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस वो ऑटो रेडियोग्राफी करा के उस जीन का, अगर अगर ये जीन अगर यहाँ हाइब्रिडाइज नहीं होता तो फिर क्या होता है, ये फ्लरिश ही नहीं करता, ऑटो रेडियोग्राफी में आता ही नहीं। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, ये ब्लॉटिंग टेक्निक करते हैं। तो ब्लॉटिंग टेक्निक कई तरह के होते हैं, डीएनए के लिए होता है, आरएनए के लिए होता है, प्रोटीन के लिए होता है। तो अगर यहाँ पे थोड़ी सी बात जान जाओ, अगर डीएनए के डीएनए को डिटेक्ट करना है, आरएनए को डिटेक्ट करना है, और प्रोटीन को लिए भी डिटेक्ट करना है, तो ब्लॉटिंग तीन तरह के होंगे। डीएनए को डिटेक्ट करना है तो उसको कहें सदर्न ब्लॉटिंग, उसको क्या कहते हैं, सदर्न ब्लॉटिंग। इसको आरएनए को उसको क्या कहेंगे, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग, नॉर्दर्न नॉर्दर्न ब्लॉटिंग। और अगर प्रोटीन को करना है तो उसको क्या कहेंगे, वेस्टर्न ब्लॉटिंग। तो ये ब्लॉटिंग अगर पूछा जाए कि बताओ किसी डिटेक्टर टेक्निक का बताओ जिसमें प्रोटीन को आइडेंटिफाई करना है, तो कहोगे वेस्टर्न ब्लॉटिंग। और ये अब देखो इन दोनों में बात तो समझ में आई कि डीएनए है, डीएनए के स्ट्रैंड है, मान लो डीएनए के स्ट्रैंड है तो उसमें तो हम ये पता कर सकते हैं ये डीएनए के स्ट्रैंड है, इसमें हाइब्रिडाइज करा दे, कम्प्लीमेंट्री है, यहाँ पे, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी आरएनए में भी कम्प्लीमेंट्री है, यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे हम किसका इस्तेमाल करेंगे, एंटीजेन एंटीबॉडी, एंटीजेन एंटीबॉडी का हम इस्तेमाल करके यहाँ पे डिटेक्ट कर लेंगे। तो पूछा जाए कि बताओ डीएन नॉर्दर्न सदर्न ब्लॉटिंग किसके लिए होता है, तो डीएनए के पर्टिकुलर जीन प्रेजेंट है कि नहीं उसको पता करने के लिए करते हैं सदर्न ब्लॉटिंग। नॉर्दर्न ब्लॉटिंग किसके लिए, आरएनए का जीन प्रेजेंट है कि नहीं, उस आरएनए प्रेजेंट है कि नहीं उसके लिए करते हैं। प्रोटीन प्रेजेंट है कि नहीं, वो पर्टिकुलर प्रेजेंट, उसका एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन करा के हम इसमें देखते हैं। तो ये है तुम्हारा, तो यही है ए सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए आरएनए टैग्ड विद द रेडियो लेबल, वही जो प्रोब की बात कर रहा है, मॉलिक्यूल इज अलाउड टू हाइब्रिडाइज इट्स कम्प्लीमेंट्री डीएनए, जो कम्प्लीमेंट्री डीएनए से इन ए क्लोन फॉर ए सेल फॉलोड बाई डिटेक्शन बाय ऑटो रेडियोग्राफी कर देंगे। दिस क्लोन हैविंग म्यूटेटेड जीन, अगर उसमें म्यूटेटेड जीन होगा तब भी नहीं वो हाइब्रिडाइज करेगा। नॉट अपियर इन फोटोग्राफिक फिल्म बिकॉज द प्रोब विल नॉट हैव कम्प्लीमेंट्री विद द म्यूटेटेड जीन, यही है बात। तो ये इसके लिए तीन बताया मैंने कि क्या क्या है, वो क्या था,
ये वाली ब्लॉटिंग थी, जैसे इसका ये देख सकते हो, दिख रहा होगा स्क्रीन पे आपके, देखो ये सदर्न ब्लॉटिंग है। डीएनए को जेल में डाला और सी डीएनए कम्प्लीमेंट्री डीएनए बना के हमने क्या काम कर दिया, ये बैंड देख लिया और इसी पे आरएनए रेडियोग्राफी करके देख लेंगे। नॉर्दर्न ब्लॉटिंग में किसका किया, आरएनए का, वेस्टर्न में किसका किया, प्रोटीन का और एंटीबॉडी के बेस पे किया, आटो रेडियोग्राम में वो आ जाएगा। तो यही है स्टेप्स ब्लॉटिंग टेक्निक में। ब्लॉटिंग टेक्निक में हम क्या करते हैं कि किसी पर्टिकुलर जीन या किसी पर्टिकुलर प्रोटीन को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसका देखो स्टेप्स ऐसे होता है, जैसे जो अभी पढ़े हो, जो ये कह रहे थे कि एनसीईआरटी में जो लिखी थी लाइन, कि देखो आरएनए के एक्सट्रैक्शन किए, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस किए, आरएनए सेपरेट किए, आरएनए के ट्रांसफर किए जेल पे, अब ये सिंगल स्ट्रैंडेड प्रोब को यहाँ किए। अब जैसे ही करोगे तो जो प्रोब जिससे जो इसका कम्प्लीमेंट्री हो, देखो यहाँ कम्प्लीमेंट्री इससे बाइंड किया, यहाँ कम्प्लीमेंट्री इससे बाइंड किया, यहाँ कम्प्लीमेंट्री इससे, और जो और सबसे नहीं बाइंड किया, तो ऑटो रेडियोग्राफी में यही तीनों दिखेंगे ना, और कोई नहीं दिखेगा। तो यही है कि जब किसी को अगर हमको पर्टिकुलर को उसी हमारा ये सारा जो टेक्निक है ये डिपेंड करता है ये प्रोब किस तरह का है। हम प्रोब पहले डिजाइन करके तभी उसको क्या करेंगे, उसमें इंट्रोड्यूस करेंगे। अब बात आती है एलाइजा की। तो एलाइजा में हम क्या करते हैं, इसका नाम ही है एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट असे। तो एलाइजा जो होता है वो डिटेक्ट करने के लिए होता है कि जो एंटीबॉडी एंटीजेन बेस्ड पे होता है। एलाइजा एंटीबॉडी एंटीजेन के इंटरेक्शन के बेस्ड पे होता है। इन्फेक्शन बाय पैथोजन कैन बी डिटेक्टेड बाय प्रेजेंस ऑफ एंटीजेन प्रोटीन या ग्लाइको प्रोटीन्स। अब ध्यान देखो एंटीजन कुछ भी हो सकता है लेकिन एंटीबॉडी हमेशा क्या होगा, प्रोटीन ही होगा, ये यहाँ याद रखना। तो और बाय डिटेक्टिंग द एंटीबॉडी सिंथेसाइज अगेंस्ट द पैथोजन। अब देखो दो चीज़ कर सकता है, अगर किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म में मान लो ये कोई ऑर्गेनिज्म है इसमें कोई एंटीजन आया तो एंटीजन को पहचान लो, या तो फिर इसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडी बना उसको पहचान लो। दोनों तरह से हम बता सकते हैं, एलाइजा में दोनों तरह से हम डिटेक्ट कर सकते हैं। इसका थोड़ा सा अगर देखना चाहो तो ऐसे करते हैं, देखो इसका नाम ही है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सार्वेंट असे। तो ये देखो क्या हुआ, सबसे पहले एंटीजन तुम्हारा आया बॉडी में, तो जो एलाइजा हो तो तीन तरह का, डायरेक्ट इनडायरेक्ट और सैंडविच। तो बस देखो एंटीजन जैसे ही आया तो जो तुम्हारा एंटी इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनेगा। तो हम जो इन विट्रो कर रहे हैं ये सब ना, इन विट्रो कर रहे हैं ये सब, इन विट्रो कर रहे हैं, तो हम क्या काम करेंगे कि एक प्राइमरी एंटीबॉडी जो होगा इसके अगेंस्ट प्रिपेयर करेंगे, वो बनाएगा, उसमें वो एक इंजाइम लिंक्ड होगा इस एंटीबॉडी में इंजाइम। तो ये इंजाइम लिंक्ड है इम्यूनिटी की, इम्यूनो क्यों है, क्योंकि एंटीजन एंटीबॉडी के इंट्रैक्शन हो रहा है। तो एंटीजन जैसे ही आया उसमें एक प्राइमरी एंटीबॉडी है कंजुगेटेड विथ इंजाइम, इंजाइम से कंजुगेट कर दिया गया, ये जाके जुड़ गया इससे। और इसी में एक सबस्ट्रेट का क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट यूज कर लेंगे, जो इंजाइम होगा इस सबस्ट्रेट को चेंज कर देगा कलर में। तो अगर कलर दिख गया तो इसका ये मतलब है कि ये पर्टिकुलर एंटीजन जिसके पर्टिकुलर एंटीबॉडी था ये है, प्रेजेंट है, वो वास्तव में प्रेजेंट है। जैसे मान लो ये टाइफाइड का था एंटीजन, तो टाइफाइड का इन्फेक्शन का था, तो वो टाइफाइड बैक्टीरिया का एंटीजन था, तो हम उसके अगेंस्ट में टाइफाइड वाला ही एंटीबॉडी यूज करेंगे। अगर ये टाइफाइड का एंटीजन होगा तभी ये मैच कर जाएगा, कंजुगेट होगा, और तभी ये सब्सट्रेट जो होगा ये ग्लो करेगा, कलर देगा। जितना ज़्यादा कलर देगा, जो कलर देने के लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट होता है कलरोमेट्री, उसमें हम क्या चेक करते हैं कि कलर माइक्रोटाइटर प्लेट एक होता है उसमें हम जाके कलरोमेट्री में देखते हैं कि कलर दिया, जितना ज़्यादा कलर देगा इसका मतलब उतना ही ज़्यादा ये इसकी कंसंट्रेशन है, उतना ज़्यादा टाइफाइड का इन्फेक्शन है, उतना ज़्यादा उसकी कंसंट्रेशन है। तो ये तो पहला होगा डायरेक्ट डायरेक्ट प्राइमरी एंटीबॉडी कर दे, दूसरा का इनडायरेक्ट एंटीजन आया प्राइमरी एंटीबॉडी, इससे नहीं इंजाइम लिंक करेंगे हम, एंटीबॉडी किससे लिंक करेंगे, सेकेंडरी वाले से, और उसमें इंजाइम होगा तो इसको कहें इनडायरेक्ट, अल्टीमेटली इसी का तो बता रहा है। तीसरा होता सैंडविच, इसमें क्या करेंगे हम एंटीजेन पे नहीं इंटरेक्ट करें, पहले एंटीबॉडी को ही रख लेंगे। तो एंटीजेन का एंटीबॉडी एंटीजेन इन्हें इंटरेक्शन यहाँ भी हो रहा है यहाँ भी हो रहा है, इसमें ये करेंगे, फिर उसके बाद प्राइमरी जो होगा प्राइमरी एंटीजेन जो एंटीजन होगा फिर उसके प्राइमरी एंटीबॉडी देंगे, फिर सेकेंडरी एंटीबॉडी में ही इंजाइम लिंक करेंगे, फिर सब्सट्रेट करेंगे। इस तरह से हम क्या करते हैं इंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट असे से हम टेस्ट कर सकते हैं। तो इसे इसका ये बताना कि ये जो दोनों होते हैं ये किसके बेस पे होते हैं, एंटीजन एंटीबॉडी के इंट्रैक्शन के बेस पे होते हैं। अब बात आती है ट्रांसजेनिक एनिमल क्या होते हैं। अब इसमें जो सारी कहानियाँ ही हैं कि कैसे कैसे करते हैं, देखो कि जो मोस्ट ऑफ द ट्रांसजेनिक एनिमल्स होते हैं वो माइस होता है, क्योंकि हम लोगों से मोस्ट क्लियरली होते हैं, तो जो सबसे पहले एक्सपेरिमेंट होता है तो सिमिलर टाइप के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हीं पे किया जाता है। तो सबसे ज़्यादा जो ट्रांसजेनिक एनिमल है वो बनाया गया वो क्या है, वो माइस।
तो कोई भी ऐसा जीन जो किसी एनिमल में इंट्रोड्यूस करके उसको ट्रांसजेनिक बना दिया जाए, उसको ट्रांसजेनिक एनिमल कहते हैं। देखो, एनिमल डेट डेट हैड देयर डीएनए मैनिपुलेशन प्रोसेस एंड एक्सप्रेस एन एक्स्ट्रा फॉरेन जीन, इन्होंने ट्रांसजेनिक एनिमल, जिसमें कोई बाहर से जीन हम इंट्रोड्यूस कर दिए, ट्रांसजेनिक रैट, रैबिट, बहुत से ऐसे ट्रांसजेनिक एनिमल प्रोड्यूस कर दिए। ऑल दो कवर 95% जो होते हैं वो क्या होते हैं, एग्जिस्टिंग ट्रांसजेनिक एनिमल माइस। ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन हुआ है, आया है कि सबसे ज़्यादा ट्रांसजेनिक एनिमल कौन से है, तो क्या है, माइस है। अब आगे बढ़ते हैं, वाई आर दीज एनिमल्स बींग प्रोड्यूस, क्यों इसको प्रोड्यूस किया जाता है, तो जानते हो ट्रांसजेनिक एनिमल्स हो चाहे प्लांट हो, वो किस लिए हो, किसी पर्टिकुलर टारगेट के लिए ना, कि ये प्रोडक्ट हम ये जीन ट्रांसफर कर रहे हैं तो इसी का हमको प्रोडक्ट मिलेगा। तो ये सब चीज़ें हैं कि क्यों करते हैं, तो हम नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट के लिए करते हैं, स्टडी ऑफ डिजीज के लिए करते हैं, ये सब रिसर्च एरिया है कि किसमें हम क्या करते हैं। तो नॉर्मल फिजियोलॉजी के लिए क्या करते हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल कैन बी स्पेसिफाइड डिजाइन टू अलाउ द स्टडी हाउ जीन आर रेगुलेटेड एंड हाउ दे अफेक्ट द नॉर्मल फंक्शन ऑफ द बॉडी एंड इट्स डेवलपमेंट। एग्जाम्पल, स्टडी ऑफ कम्प्लेक्स फैक्टर इंक्लूडिंग इन ग्रोथ सच एज इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर बाई इंट्रोड्यूसिंग जीन फॉर अदर स्पेसीज दैट अल्टर द फॉर्मेशन ऑफ दिस फैक्टर, स्टडी बायोलॉजिकल इफेक्ट इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन अबाउट द बायोलॉजिकल फैक्टर। अब ये कह रहे हैं कि कोई भी अगर जीन, हमको ये पता करना है कि स्पेसिफिसिटी, जैसे कोई मान लो पर्टिकुलर जीन है, अब हमको ये बताना है कि ये जो है, मान लो जीन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे आ गया तुम्हारा, ये जीन ऑफ इंटरेस्ट है यहाँ पे, ये ट्रांसजेनिक मान लो एनिमल है, इससे जो जीन बन रहा है, तो इससे जो इंजाइम बन रहा है, आरएनए से इंजाइम जो बन रहा है, इससे वो किसी पर्टिकुलर किस सब्सट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज कर रहा है, कौन से ग्रोथ फैक्टर को इनहिबिट कर रहा है, कौन से ग्रोथ फैक्टर को, इस तरह से हम क्या करते हैं, ट्रैफिकिंग देख सकते हैं उसके सेल के अंदर, कैसे नॉर्मल फिजियोलॉजी है, उस सेल को हम हटा दें तो फिर क्या होता है, उस सेल की जगह दूसरा से जीन डाल दें उस सेल में तो क्या होता है। तो यही सब नॉर्मल फिजियोलॉजिकल देखने के लिए हम क्या करते हैं, ये ट्रांसजेनिक बनाते हैं। दूसरा है डिजीज को स्टडी करने के लिए, तो डिजीज स्टडी करने के लिए मिनी ट्रांसजेनिक डिजाइन टू इंक्रीज द अंडरस्टैंडिंग हाउ जीन्स कंट्रीब्यूट द डेवलपमेंट ऑफ डिजीज, मतलब ये हमको पता करने के लिए कि कैसे जीन जो होते हैं वो डिजीज का आज करते हैं, तो उस तरह से हम कोई जीन को ट्रांसफर करते हैं तो उस जीन, वो जो डिजीज है उससे कैसे हम बच सकते हैं, कौन सा ग्रोथ फैक्टर है, कौन सा ऐसा फैक्टर है जिसको हम अगर हटा दें तो उसमें क्या कर सकते हैं कि डिजीज को कम किया जा सकता है या फिर ख़त्म किया जा सकता है। दे आर स्पेशल मेड टू सर्व द मॉडल, इसको कहते हैं मॉडल ऑर्गेनिज्म, मॉडल फॉर ह्यूमन डिजीज, सो इन्वेस्टिगेट द न्यू ट्रीटमेंट डिजीज इज द मेड पॉसिबल टूडे, ट्रांसजेनिक मॉडल एग्जिस्ट मेनी डिजीज, जैसे कैंसर पे एक्सपेरिमेंट करना तो माइस पे करेंगे, सिस्टर फाइब्रोसिस करना हो, ये सब बहुत मेजर मेजर डिजीज है। अगर इसमें हम कुछ हम अगर जैसे मान लो कैंसर का कोई ग्रोथ फैक्टर हमको पता चल गया कि कोई ये पर्टिकुलर जीन है, इसका जो ग्रोथ फैक्टर यही जो होता है मेजर काज है कैंसर का, अगर हमको ये पता चल गया कि इस ग्रोथ फैक्टर को जीन साइलेंट करा दें तो ये होगा ही नहीं, तो उस तरह के ड्रग बनाने में हमको मदद मिल जाएगी। इस तरह से सभी के लिए होता है, ये मेजर मेजर डिजीज है, तो इसलिए हम मॉडल ऑर्गेनिज्म को यूज करते हैं इस पर्पज़ के लिए। बायोलॉजिकल प्रोडक्ट के लिए, तो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट के लिए मेडिसिन आर रिक्वायर्ड टू ट्रीट द ह्यूमन डिजीज कंटेन बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, बट सच प्रोडक्ट आर ऑफन एक्सपेंसिव टू मेक, ट्रांसजेनिक एनिमल प्रोड्यूस द यूजफुल बायोलॉजिकल प्रोडक्ट कैन बी क्रिएटेड इंट्रोड्यूस ऑफ पोर्सन ऑफ जीन विच इज पर्टिकुलर प्रोडक्ट सच एज ह्यूमन प्रोटीन, जैसे कि ह्यूमन प्रोटीन अल्फा एंटीट्रिप्सिन यूज टू ट्रीट इम्फिसेमा, इम्फिसेमा में ये ट्रीटमेंट के लिए अल्फा जो एंटीट्रिप्सिन जो होता है वो ट्रांसजेनिक एनिमल से ही मिलता है। सिमिलरली अटेम्प्ट हैज बीन मेड टू ट्रीटमेंट ऑफ फिनाइल कीटो यूरिया, ऐसे ही बनता है सिस्टिक फाइब्रोसिस, इन सब के लिए बनाया गया है। 1997 में फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ रोजी, ये रोजी को याद रखना है, रोजी जो है फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ है, और सबसे ज़्यादा ट्रांसजेनिक एनिमल कौन है, वो माइस है। तो प्रोड्यूस ह्यूमन प्रोटीन इन रिच मिल्क 2.4 ग्राम पर लीटर, मतलब कि ये जो है ये इसमें एक तरह का बायो फोर्टिफिकेशन ही है, इंक्रीज कर दिया न्यूट्रिशनल वैल्यू को, प्रोटीन की वैल्यू को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। द मिल्क कंटेन ह्यूमन अल्फा लैक्टोग्लोबिन वाज न्यूट्रिशनली ए मोर बैलेंस प्रोडक्ट ह्यूमन बेबीज नेचुरल काउ मिल्क, तो इस तरह से हम क्या कहें, ट्रांसजेनिक जो काउ बनाया गया था उसमें क्या होता है, बहुत अल्फा लैक्टोग्लोबिन जो था बहुत ज़्यादा था, वो बहुत नेचुरल जो काउ मिल्क से उससे बहुत ज़्यादा ही सुटेबल और अच्छा था, न्यूट्रिशनल इनरिच था। अब आती है बात वैक्सीन सेफ्टी में, तो जैसे कि कोई मान लो वैक्सीन बनाया, जैसे कोविड का वैक्सीन बनाया गया, तो हम किसी ट्रांसजेनिक टाइप के एनिमल या किसी ह्यूमन से जो रिलेटेड एनिमल हो उसी पे टेस्टिंग करेंगे, टेस्टिंग करने के बाद तब फिर क्या करेंगे, मंकी पे करेंगे, फिर उसके बाद सिमिलर टाइप के ऑर्गेनिज्म करेंगे, फिर उसके बाद ह्यूमन पे लेंगे। तो ट्रांसजेनिक माइस आर बीइंग डेवलप्ड यूज टू टेस्टिंग या सेफ्टी वैक्सीन बिफोर द यूज ऑफ ह्यूमन, ट्रांसजेनिक या मोर बीइंग यूज टू सेफ्टी या पोलियो वैक्सीन आर बीइंग यूज, पोलियो वैक्सीन के लिए बहुत यूज किया जाता है। इफ सक्सेसफुली फाउंड रिलायबल दे कुड बी रिप्लेस द मंकी टेस्टिंग, ये कह रहा है कि दूसरे पे जो सिमिलर टाइप के होंगे। केमिकल सेफ्टी, दिस इज नोन द टॉक्सिक सेफ्टी, अब जैसे हम क्या कर सकते हैं कि
कोई मान लो एक इन्वायरमेंट है, अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है, या कोई मान लो कोई पॉल्यूटेंट है, एयर वाला पॉल्यूटेंट है, तो कुछ ऐसा हम ट्रांसजेनिक एनिमल बनाएंगे जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो। अगर मान लो यहाँ पे ह्यूमन है या कोई है, तो वो मान लो जब इसकी कंसेंट्रेशन 500 PPM हुआ उसका, तब ये बता रहा है कि हाँ हमको प्रॉब्लम हो रही है। जबकि ये जो ट्रांसजेनिक एनिमल तुमने बनाया था, ट्रांसजेनिक एनिमल, ये क्या हो रहा है कि 50 PPM पे ही कह रहा है सेंसिटिव होने लगा, ये बताने लगा कि देखिए ये प्रॉब्लम है। तो एक तरह का ये क्या करता है, केमिकल सेफ्टी बता रहा है ना कि हाँ कि आप लोग सेफ्टी हो जाए, तो हम इसको देखते ही एक सेंसर की तरह इसका इस्तेमाल कर लिया, और ये बता दिया, इन्फॉर्म कर दिया, तो इससे हम इसको अब इसको कम करने के लिए हम इस पर कदम उठा सकते हैं। तो दिस नोन एज ए टॉक्सिक सेफ्टी, द प्रोसीजर इज सेम यूज टू फॉर्म टॉक्सिसिटी ऑफ ड्रग्स। ट्रांसजेनिक एनिमल मेड टू कैरिंग द जीन विच मेक देम मोर सेंसिटिव टॉक्सिक सब्सटेंसेज नॉन ट्रांसजेनिक एनिमल, दे आर एक्सपोज टू टॉक्सिक सब्सटेंस इफेक्टिव स्टडी, टॉक्सिसिटी टेस्टिंग सच एज एनिमल्स विल अलाउ ऑब्टेन रिजल्ट इन लेस टाइम, कम समय में हमको क्या कर सकता है, ये बता सकता है। अब यहाँ तक हम लोगों दो बातें पढ़ाए, जो बायोटेक्नोलॉजी, जो बायोटेक्नोलॉजी का अप्लीकेशन था वो किस में पढ़े, एग्रीकल्चर में पढ़ लिया, दूसरा क्या पढ़ लिया, मेडिकल साइंस में। और अब तीसरा जो पढ़ते हैं, इसमें कुछ एथिकल इशू भी होते हैं। अब देखो बड़ी इंटरेस्टिंग ये बात है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग या फिर बायोटेक्नोलॉजी जो है बहुत ही अच्छी ब्रांच है, नो डाउट, लेकिन इसके बहुत से कॉन्सिक्वेंसेज हैं जो कि हमको ध्यान देने चाहिए। एज ए बायोलॉजिस्ट हमको ये समझना चाहिए कि क्या ये ज़रूरी है कि किसी भी किसी एनिमल को ट्रांसजेनिक बना देना, और उसका बिना मतलब उसके कॉन्सिक्वेंसेज जाने उसको मार्केट में इंट्रोड्यूस करना या इकोसिस्टम में किसी इंट्रोड्यूस कर देना। तो इसके लिए हमारी जो इंडिया है उसने एक कमेटी बनाई, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, GESC, इसका फुल फॉर्म भी आता है। तो इस कमेटी इन्हें ये बताया, पहले ये तो देखा कि मोरलिटी तो कुछ होनी चाहिए ना, कि ट्रांसजेनिक एनिमल आप बना दे रहे हैं कुछ भी, और उसका कॉन्सिक्वेंस जान ही नहीं रहे कि क्या करेगा जेनेटिक मैनिपुलेशन करने का, मतलब ये नेचर के एक तरह से कह लो कि नेचर ने ऐसा नहीं किया था, नेचर तो वाइल्ड टाइप की चीज़ें दी थी, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं अपने एडवांस टेक्नोलॉजी की वजह से उसमें कुछ चेंजेस कर रहे हैं, तो जेनेटिक मैनिपुलेशन कर रहे हैं। तो इसका ये मतलब हो कि नेचर के कहीं ना कहीं जाके वो एक तरह का छेड़छाड़ ही कर रहे हैं, जो नेचर मेकअप दिया है जेनेटिक मेकअप उसको छेड़छाड़ कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी है कि कंसिक्वेंसेज होंगे ही होंगे जो नियर फ्यूचर में, तो उसका कोई पता ही नहीं है कि कोई क्या होना है क्या नहीं होगा, हम केवल टारगेटेड को देखते हैं। जैसे कि तुम से फॉर एग्जांपल देखो, बीटी कॉटन है, अब बीटी कॉटन को जो इंसेक्ट खाएगा वो तो मर जाएगा, इस पर जो डिपेंडेंट है कोई मान इंसेक्ट को जो खाने वाला, जो पर्टिकुलर इंसेक्ट को खाने वाला जो ऑर्गेनिज्म था वो भी तो चला जाएगा, वो ये भी तो मर जाएगा अगर पूरे पॉपुलेशन ऐसे बीटी कॉटन के सारे जो ये वाले जैसे बीटल वा बीटल था तो बीटल मर जाएगा, तो उसके ऊपर डिपेंडेंसी वाला, तो ये इकोसिस्टम डिस्टर्ब नहीं हो जाएगी। तो इस तरह की चीज़ें हैं कि अगर आप मान लीजिए इस तरह के अगर करेंगे तो उसका कंसिक्वेंसेज एज लॉन्ग टर्म में बहुत ही हो सकता है निगेटिव हो सकता है। तो इसलिए हमारी मॉरलिटी होनी चाहिए इस इशू के लिए। तो हमारे यहाँ जो होता है GESC जो है अप्रूवल कमेटी देती है कि नहीं पहले आप बताइए कि इसके क्या कंसिक्वेंसेस होंगे, फिर उसके बाद तब हम अप्रूवल देंगे, तभी आप आगे इसको पब्लिक सेक्टर में या पब्लिक सर्विस के लिए आप दे सकते हैं। तो यही है जीनेटिक द मैनिफेस्टो ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बाई ह्यूमन रेस कैन नॉट गो एनी फर्दर विथाउट रेगुलेशन, यही कह रहे हैं कि बिना रेगुलेशन के अगर हम जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को, यहाँ तक कि जो जो क्लोन बनाते हैं ना क्लोन, तो वो ह्यूमन का भी क्लोन बनाने लगे लोग। तो कहने की ये बात है कि ये बहुत ही अगर ध्यान से देखा जाए तो बहुत एक तरह का नेचर के एकदम विपरीत, बहुत से मूवीज देखे होंगे जिसमें क्लोन बना दिए, अपने डिक्टो कॉपी बना देते हैं, तो ये एक तरह का वही है कि बिना रेगुलेशन के तो नेचर के एकदम अगेंस्ट है ना, नेचर ने क्या कहा कि जो पैदा होगा वो उसको डेथ होनी है, अब ह्यूमन क्या कर रहा है उसमें चेंजेस कर कर करके डिफरेंट डिफरेंट कर रहा है, तो उसके लिए रेगुलेशन जरूरी है, नहीं तो क्या होगा कि कुछ ना कुछ बहुत ही बड़ा ड्रास्टिक चेंजेस आएंगे, वो भी बहुत निगेटिव टर्न में आएंगे। तो सच एथिकल इशू स्टैंडर्ड रिक्वायर टू इवेल्युएट द मोरलिटी ऑफ ऑल ह्यूमन एक्टिविटीज दैट माइट बी हेल्प हार हेल्प आर हार्म लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब कोई भी जेनेटिक मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म बनाओगे तो हो सकता है ये हार्म भी करे, हो सकता है क्या यूजफुल भी हो, तो ये दोनों को रेगुलेट करेगा ये GESC। गोइंग बियॉन्ड द मोरलिटी सच इशू द बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस सच ऑल्सो इंपॉर्टेंट, जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑर्गेनिज्म कैन बी हैव अनप्रडिक्टेबल रिजल्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसका कोई रिजल्ट का अनप्रडिक्टेबल, फ्यूचर में क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसे जैसे अभी वो बीटी का पता है कि हो सकता है कि वो रजिस्टर करे, अच्छा जो बीटी के मतलब बीटी बैगन है मान लो बीटी कॉटन है उसका अगर इस्तेमाल करके कोई खा रहा है तो वो जीन हमारे बॉडी के अंदर जाएगा, तो इस तरह की बहुत सी चीज़ें हैं कि वो कुछ ना कुछ अनप्रडिक्टेबल रिजल्ट है और बहुत लॉन्ग टर्म में हमको समझ में आएंगे।
वेन सच ऑर्गेंज आर इंट्रोड्यूस इन टू द इकोसिस्टम, तो उसका कोई भी प्रेडिक्टेबल रिजल्ट नहीं होगा, क्योंकि जब इंट्रोड्यूस करेंगे सिस्टम में तो हो सकता है उस पर जो डिपेंडेंसी होगा वो मर जाएगा। तो बीटल हमारे दुश्मन थोड़ी ना है इस तरह के कि उसको मार देना है, इसको पॉपुलेशन का इसमें जितना सबका हक है उतना, मतलब हम लोग का हक है उतना ही ज़्यादा उन हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का हक है इस इको सिस्टम या कहते तो बायोस्फीयर में रहने का। तो यही है GESC जो था, इसी को अप्रूवल कमिटी जो इंडियन गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया, और विच हेल्प टू मेक द डिसीजन रिगार्डिंग वैलिडिटी ऑफ GM रिसर्च। जो भी कोई रिसर्च करेगा जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म इससे अप्रूवल लेगा, सेफ्टी के रिगार्डिंग बताया गया कि हाँ ये क्या है, पब्लिक सर्विस में कैसे होता है। द मॉडिफिकेशन यूज लिविंग ऑर्गेनिज्म पब्लिक सर्विस एज फूड एंड मेडिसिन सर फॉर एग्जाम्पल हैज क्रिएटेड प्रॉब्लम विद पेटेंट ग्रांटेड, ये बड़ी बात हो गई। अब ध्यान से देखो, जैसे कि हमारे पास कोई मान लो एक प्लांट है, ये प्लांट का कोई सेल है, अभी इस सेल में एक सेल में DNA और ये जो जीन है, कोई मान लो ए जीन है, ए जीन से एक प्रोटीन बनना था, ए प्रोटीन से क्या बनना था, ए प्रोटीन से मान लो RNA, RNA से क्या बनना था प्रोटीन, और इस प्रोटीन से क्या बनना था एंजाइम बनना था। अब ये एंजाइम जो था ये इस्तेमाल हो रहा था कोई एक्स कंपाउंड को वाई में चेंज करने के लिए, तो वाई जो कंपाउंड था एक तरह का ये था बहुत बढ़िया ड्रग था। अब ये जो था ये इस प्लांट का नाम हमारे मान लो ये इंडिया में था, ये जो प्लांट का सेल था ये कोई मान लो प्लांट का सेल था, इससे हम निकाल लिए ये ड्रग के लिए यूज हो रहा है ये वाला जीन इंडिया में था। अमेरिका ने क्या काम किया कि इस जीन के, ये पूरा प्लांट था, प्लांट के जीन था, हमको पता ही नहीं था कि इस वाले जीन का, किसी पर्टिकुलर जीन का हम क्या करते हैं। तो हमने इसको क्या किया कि हमारे बहुत पौराणिक पुराने समय से इस प्लांट का इस्तेमाल किया जाता था ड्रग के लिए। जैसे तुम समझ लो तुलसी का हो गया, टर्मरिक का हो गया, ऐसे बहुत से हो गए जो जिसका हम रेगुलरली यूज करते हैं। तो अब ये हम कर ही रहे थे, अमेरिका ने क्या काम किया कि ये वाला जो जीन ए जीन है इसको कट किया, इस प्लांट को लिया, इस जीन को कट किया और अपने किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में इस जीन का क्या कर दिया, इस जीन को इंट्रोड्यूस कर दिया। कौन से जीन को, ए जीन को इंट्रोड्यूस कर दिया, और इसने कहा कि ये जो है मेरा न्यू वेराइटी है जिसमें इस तरह का ड्रग आता है, और जबकि ये इसने कहाँ से लिया, यहाँ से लिया इसके क्यों पर्टिकुलर जीन का। तो अभी इसके बाद क्या होता है, इसको इसने पेटेंट करा लिया। पेटेंट क्या होता है, जब भी कोई ऑर्गेनिज्म होता है, जैसे तुम्हारी कोई डिस्कवरी हो, कोई ऑर्गेनिज्म खोजे, कोई कुछ भी हो, तो उसको पेटेंट करा लेना चाहिए। कोई कंपाउंड खोजे उसको पेटेंट करा लेना चाहिए। पेटेंट कराने का मतलब वो आपके नाम पे हो जाएगा, अब कोई भी उस पर वर्क करेगा तो बिना आपके अप्रूवल के नहीं करेगा। अब जैसे इंडिया में हम लोगों ने क्या किया, हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, लोग सब जानते हैं कि हाँ ये बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, एग्रीकल्चर बहुत अच्छी होती है और सब कुछ है, तो यहाँ पे लोगों को बहुत नॉलेज है, बहुत धार्मिक टाइप के कि हाँ सब समझ रहे हैं कि हाँ क्या कैसे होता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उनको ये नहीं पता कि जो मतलब डेवलपिंग है ना देश, तो उसमें क्या, इनको ये नहीं पता कि कैसे पेटेंट कराते हैं या क्या ज़रूरत है, इतना कल्चर नहीं है उनमें। और ये क्या काम किए कि उसको न्यू वैरायटी बना के पेटेंट करा लिए। अब जब ये पेटेंट करा लिए तो अब ये खुद कह रहे हैं कि जो पॉलिसी पेटेंट के होते हैं कि आप अब इसको, इस ड्रग को अपने नाम से नहीं बेच सकते, इस ड्रग का पेटेंट हम करा लिए हैं, अब ये मेरा हो गया। तो इस तरह से ये चोरी कर लिए, ये इस तरह से चोरी के, अब उसके बाद अब कुछ नहीं कर सकते, जब पेटेंट हो गया तो कुछ नहीं कर सकते। इसलिए जब भी कोई आपकी फाइंडिंग हो तो उसको आप तुरंत पेटेंट करना चाहिए, ड्रग हो चाहे कुछ भी हो। तो इस तरह से ये जो चोरी की है इसको कहेंगे बायोप्रेसी। लेकिन अगर वो पेटेंट करा लिए तब तो कोई बात नहीं, अगर पेटेंट नहीं कराए, आप जैसे पेटेंट करा लिए हैं और आप भी पेटेंट करा लिए हैं और ये बाद में चोरी करके अपना पेटेंट कराया, तो ये चोरी हो गई और उसको क्या कहेंगे, लिविंग सिस्टम का प्रेसी कर लिए, बायो चोरी कर लिए, बायोप्रेसी कह देंगे। तो बायोप्रेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो इसमें प्रॉब्लम क्या हो गई, ये कह रहे थे कि न्यू वेराइटी हो गई, अब केवल क्या किया, ट्रांसजेनिक बना दीजिए प्लांट, और यही कह रहा है कि तो यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर पब्लिक सर्विस फूड एंड हैज ऑल्सो क्रिएट प्रॉब्लम विद द पेटेंट ग्रांट ऑफ फॉर सेम। मतलब ये अगर मान लो ये पूरे ऑर्गेनिज्म का इन्होंने पेटेंट कराया और उसके एक जीन को लेके ये न्यू वैरायटी बना के इसको पेटेंट करा लिए उसी ड्रग के लिए, तो ये फिर प्रॉब्लम हो जाएगी ना कि हाँ ये तो ट्रांसजेनिक एनिमल बना के आप पेटेंट करा लिए। अब नेचर ने तो दिया था भाई कि इसके जो करेक्टर वही है, इसका जो करेक्टर वही है, हमने क्या किया इधर उधर करके पेटेंट का चेंज कर दिया। तो ये बहुत ही चल रहा है इस समय बायोप्रेसी, और इसके लिए बहुत अवेयर होना होगा हम लोग को कि जानेंगे कि हाँ नहीं तो ऐसा ना हो कि जो हमारे नेटिव है, जैसे नीम है, तुलसी है, टर्मरिक है, ये बहुत ही इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट प्लांट है जो ड्रग वगैरह के लिए यूज होता है, वो उसकी चोरी ना हो जाए। अब बात आती है कि यहाँ पे वही देखो बात कर रहा है, द ग्रोइंग पीपुल एंगर सर्टेन कंपनीज, किस कंपनियाँ ऐसी होती हैं जो चोरी कर लेती हैं और बिना बताए ही,
एंगर टू सर्टेन कंपनी एज बीइंग ग्रांटेड पेटेंट प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी डेट मेक यूज टू जेनेटिक मटेरियल प्लांट अदर बायोलॉजिकल रिसोर्स डेट हैव बीन लॉग आइडेंटिफाई, मतलब जो पहले से ही आइडेंटिफाई हमारे देश में है उसको चोरी कर ले रहे हैं ये लोग, और चोरी करने के बाद क्या अपना पेटेंट करा दे रहे हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा एंगर है लोगों में। डेवलप्ड एंड यूज फार्मर इंडिजिनियस पीपल स्पेसिफिक रिलीजन, मतलब उसको उसकी बातें हैं तुलसी और इन सब की बातें जो है लिखा गया है पुराने पौराणिक उसमें भी, देश के जो हमारे देश के पौराणिक ग्रंथ हैं उनमें भी लिखा गया है, और उसको कोई पेटेंट करा के अपना ले तो गुस्सा तो बहुत ही बहुत गलत चीज़ है ये। जैसे कि एग्जाम्पल में देखो, राइस जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट फूड ग्रेन हमारे इंडिया के लिए है, द प्रेजेंस ऑफ विच गोज बैक थाउजेंड, अगर पिछले द प्रेजेंस ऑफ विच गोज बैक मतलब कई थाउजेंड ईयर पीछे से एशिया एग्रीकल्चर हिस्ट्री में हमारा जो देश है वो बहुत ही आगे है। देयर आर एस्टिमेट अबाउट 2 लाख वेराइटीज ऑफ राइस इन इंडिया अलोन, इंडिया में केवल 2 लाख वेरायटी है। द डाइवर्सिटी एवरेज, इंडिया इज वन ऑफ द रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड में सबसे रिचेस्ट है। बासमती राइस इज द डिस्टिंग फॉर द यूनिक अरोमा, बासमती जो चावल होती है वो एरोमा और फ्लेवर के लिए, एरोमा मतलब स्मेल, स्मेल जो बहुत बढ़िया महकता है, और फ्लेवर के लिए होता है। और 27 डॉक्यूमेंटेड वेरायटी, जो 27 ऐसे हैं जो वेरायटी जो डॉक्यूमेंटेड किए गए कि हाँ ये इंडिया में ग्रो की जाती है। देयर इज ए रेफरेंस टू बासमती इन एंशियंट टेक्सेस, और इसका बहुत से बासमती चावल का बहुत से पौराणिक उस ग्रंथों में भी जिक्र किया गया है, फोल्क फोर एंड पोएट्री वोट्री में सब में किया गया, एज इट हैज़ बीन ग्रोन इन सेंचुरी इन 1997 1997 में अमेरिकन कंपनी ने गॉट पेटेंट इसका, बासमती राइस का क्या कर लिया, पेटेंट करा लिया यूएस पेटेंट के जरिए एंड ट्रेडमार्क करा लिया ऑफिस, और दिस अलाउड द कंपनी टू सेल ए न्यू वेरायटी, और ये पेटेंट की वजह से वो क्या हो गया, वो न्यू वेरायटी बना, कहा कि ये देखिए हमने ये न्यू वेरायटी कर दिया। उसने क्या किया था, और इसने केवल क्या कहता है, दिस न्यू वेरायटी बासमती है एक्चुअली हैज बीन डिराइव फ्रॉम द इंडियन फार्मर वेरायटी, एक्चुअली वो इंडियन के फार्मर की वेरायटी थी, और उसने क्या किया बता दिया कि देखिए ये न्यू वेरायटी है, जब आप नहीं पेटेंट कराओगे तो दूसरा कोई करा ही लेगा, तो इंडियन बासमती वाज क्रास्ड भी, उसने एक्चुअली क्या किया था, बासमती की सेमी ड्वार वेरायटी लेके उसने वेरायटी को क्रॉस करा दिया था और क्लेम कर दिया कि ये देखो मैंने एक नई खोज कर ली, देखो कितने सब चालू हैं, कि नई इन्वेंशन बता दिए, कि नोवेल्टी बता दिए, कि देखो मैंने एक नया खोल लिया, और तुरंत पेटेंट करा लिया। अब जब पेटेंट करा लिया तो आपका भी हक नहीं रह गया उस पर, द पेटेंट एक्सटेंडेड फंक्शनल इक्विवेलेंट इंप्लाइज दैट अदर पीपुल सेलिंग बासमती राइस कुड बी रिस्ट्रिक्टेड बाई पेटेंट, अब इस पेटेंट से अब दूसरा कोई इसको नहीं बेच सकता है बिना इसके परमिशन के, अगर बेचोगे तो उससे अप्रूवल लेना पड़ेगा, उसके लिए फंडिंग उसको भी देनी पड़ेगी। सेवरल अटेम्प्ट हैज बीन मेड टू बी पेटेंट यूजेज प्रोडक्ट प्रोसेस बेस्ड ऑन इंडियन ट्रेडिशनल हर्ब, ऐसे बहुत से अटेम्प्ट किए गए हैं, चोरी बायोप्रेसी की गई है टर्मरिक पे, नीम पे, इफ़ यू आर नॉट विजिलेंट एंड वी नॉट इमिडिएटली काउंटर दीज पेटेंट अप्लीकेशन, अदर कंट्री मे इन कैश ऑन अदर आवर रिच लीगेसी वी मे नॉट बी एबल टू डू, अगर हम लोग इस पर अवेयर नहीं हुए तो हम क्या हो जाएंगे, इसके शिकार हो जाएंगे और कुछ बाद में कर नहीं पाएंगे। अब देखो क्या है, बायोप्रेसी क्या होता है, वही चोरी कर लेना, तो प्रॉब्लम ये होती है, जैसे इंडिया क्या डेवलपिंग कंट्री है, दो तरह की कंट्री है, एक डेवलपिंग है एक डेवलप्ड है, एक ऐसा है एक डेवलप्ड है एक डेवलपिंग है, तो जो डेवलप्ड है मान लो जैसे यूएस वगैरह है, तो इनके पास पैसा वैसा बहुत है लेकिन डाइवर्सिटी बहुत कम है, प्लांट की डाइवर्सिटी का मतलब जो टैलेंट है वो असली डेवलपिंग के पास है, इनके पास खेती है डाइवर्सिटी है सब कुछ है, जैसे इंडिया हो गया तो उसके पास खेती का स्किल है वो सब कुछ है, मतलब डेवलप कर रहा है ना उसमें क्या हो रहा है, लेकिन इकोनॉमिकली थोड़ी से कह सकते हो कि उनकी कंपेयर में है कहीं ना कहीं पीछे हैं, तो ये क्या काम करते हैं कि ये तो बेचारा ट्रेडिशनल नॉलेज भी इनको है बहुत अच्छा, इनको बहुत कुछ नॉलेज भी नहीं है, बस केवल क्या है डेवलप्ड है भाई, इनके पास पॉपुलेशन कम है, बहुत से चीज़ें वेल डेवलप हो चुकी हैं, तो इस तरह से क्या करते हैं ये इनके बायो रिसोर्सेज को पेटेंट करा ले रहे हैं, पेटेंट कराने के बाद क्या कर रहे हैं कि इनको कुछ पता नहीं है और ये पेटेंट करा के अपना वो कर लें, तो इस तरह के चोरी के लिए क्या होगा बायोप्रेसी, तो इन सबको रोकने की ज़रूरत है कि नहीं ज़रूरत है, बिल्कुल ज़रूरत है, तो इसको जो रोकना है कि हमको भाई फिर हमारा कोई बायोप्रेसी जैसे बासमती का किया वैसे कोई बायोप्रेसी ना कर पाए, तो देखो ये इन बायोप्रेसी रिफर द बायो रिसर्च मल्टी नेशनल कंपनी अदर ऑर्गेनाइजेशन विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन, मतलब तुम यूज कर सकते हो लेकिन उसका प्रॉपर ऑथराइजेशन लेना हो, अब मान लो मेरा ही सामान है तुमने पेटेंट करा के और मुझसे एक कहो कि अब आप हमसे परमिशन लीजिए, तो ये तो बहुत कंट्राडिक्टरी हो गया, इंडिया होगा तो फिर समझ ही रहे हो दौड़ा लेंगे सब मारने के लिए, तो लेकिन अब वो यूएस है ना दूर है बहुत इसलिए नहीं जाएंगे वहाँ पे,
मल्टीनेशनल कंपनी एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन फ्रॉम द कंट्री पीपुल कंसर्न विदाउट द कंपनसेशन पॉइंट, अगर मान लो उसका इस्तेमाल भी करो तो उसको कंपनसेशन पेमेंट भी करो। मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल नेशन रिच फाइनेंशियली, जानते हो कि जो बहुत डेवलप है वो फाइनेंशियली बहुत रिच है, बट पुअर इन डाइवर्सिटी, लेकिन उनके पास डाइवर्सिटी बहुत कम है और दूसरा ट्रेडिशनल नॉलेज भी बहुत ज़्यादा नहीं है। इन कंट्रा डेवलपिंग अंडर डेवलपिंग या अंडर डेवलप वर्ल्ड रिच इन बायोडाइवर्सिटी, उनमें डाइवर्सिटी रिच है और ट्रेडिशनल नॉलेज बहुत अच्छा है। ट्रेडिशनल रिलेटेड टू बायो रिसर्च कैन बी एक्सप्लेन द डेवलप मॉडर्न एप्लीकेशन कैन बी आल्सो बी सेव टाइम। ये क्या करता है, अगर ट्रेडिशनल नॉलेज हमारे पास है अगर उसको थोड़ा सा भी अगर हम एप्लीकेशन मॉडर्न में लेके जाए तो बहुत टाइम बच जाएगा इफॉर्ड एक्सपेंडेड ड्यूरिंग द कमर्शलाइजेशन में। लेकिन उतना बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ जैसे कि लिटरेसी और ये सब बहुत से फैक्टर हैं जो इनमें पार्टिसिपेट करते हैं। देर हैज़ बीन ग्रोइंग रियलाइजेशन इंडस्ट्रीज, इसकी वजह से जानते हो बहुत से ज़्यादा दिक्कत होती है, ये रियलाइज कि इनजस्टिस अन्याय हो रहा है, इनएडिक्वेट कंपनसेशन सही से दे नहीं रहे हैं, इस तरह की बहुत दिक्कतें होती है डेवलपिंग कंट्री जो होता है वो फेस कर रहा है डेवलप कंट्री द्वारा। देर आर सम नेशन आर डेवलपिंग लॉ टू प्रिवेंट सच अनऑथराइज्ड एक्सप्लॉयटेशन देयर बाय रिसर्च। तो इसके लिए क्या हुआ कि जो सभी देश थे कुछ ने कुछ कुछ लॉ बनाए कि देखो ऐसा है कि अगर हमारा कोई बायो रिसर्च यूज किया और वो यूज करके पेटेंट करा रहा है या करा रहा है तो उसके लिए कुछ लॉ होने चाहिए। और इंटरनेशनल फोरम पे भी ये इस तरह का की बातें हुई कि अब देखिए अगर ऐसा कोई चोरी करता है, अगर हमारा जो ओल्ड या ट्रेडिशनल जो हमारा जिसको हम पूजा करते हैं तुम उसको ले जाकर पेटेंट करा के अपना न्यू वैरायटी बना रहे हो तो ये तो बहुत गलत बात है ना, तो उसके लिए कुछ लॉ बनेंगे। इंडियन पार्लियामेंट हैज़ रिसेंटली क्लियर द सेकेंड अमेंडमेंट ऑफ इंडियन पेमेंट बिल डेट टेक्स सच इशू इन टू कंसिडर इंक्लूडिंग पेटेंट टर्म इमरजेंसी प्रोविजन एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनिशिएटिव। इस टर्म के लिए इंडियन पार्लियामेंट रिसेंटली ही उसने क्लियर किया कि सेकेंड अमेंडमेंट बिल जो थे इंडियन पेटेंट बिल लागू किया कि इस तरह से जैसे पेटेंट कराने में बहुत प्रॉब्लम भी होती है कि हाँ ये है वो है तो उसको सही किया। दूसरा ये है कि कुछ रूल्स रेगुलेशन बनाए कि कोई दूसरा पेटेंट है, जैसे मान लो अगर आपका पेटेंट नहीं हो रहा आप इंट्रोड्यूस कर दिए कि हमें पेटेंट करना है तो उस पेटेंट होने जब सबमिट किया उस पेटेंट होने में अगर टाइम लग रहा है तो उस दौरान अगर कोई तीसरा दूसरा कंपनी देश का कोई पेटेंट करा लिया कि देखो ये मेरी कंपनी है तो ये हो जाएगा कि लॉ है कि नहीं हमने पहले सबमिट किया था आपसे और इस तरह चीजें। तो ये इस तरह से हम क्या कर सकते हैं अपने बचा सकते हैं। इसलिए इन सब में क्या है हम लोग बहुत ही ज्यादा आगे हैं औरों के कंपेयर में। बस ये है कि हम लोग को थोड़े वो जो पेटेंट की या इन सब चीजों को जो हमारे बायो रिसर्च है उसको सही तरह से कॉमर्शलाइज करने के लिए वो जो टेक्निक है वो हमको नहीं पता है, तो धीमे धीमे हम उसके प्रति अग्रसर हो ही रहे हैं। तो ये सब सारी बातें थी बायोटेक्नोलॉजी में उसके एप्लीकेशन में। तो मेजरली हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है बायोटेक्नोलॉजी में, हम लोगों ने ये पढ़ा कि बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है, उसका एप्लीकेशन किस किस फील्ड में देखा, एप्लीकेशन हम लोगों ने फील्ड में देखा किस किस में, मेडिकल साइंस में जीन थेरेपी देखा, ह्यूमन इंसुलिन कैसे बनाते हैं, ड्रग कैसे बनाते हैं, और इसके बाद कि कौन कौन से बायोसेफ्टी सेंसर एजेंट कोई प्रोटीन रिच क्या बना सकते हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल कैसे बना सकते हैं, ये सब सारी देखा। फिर उसका हम लोगों ने देखा एथिकल इशू में देखा कि GAC कैसे उसको कंट्रोल करती है अप्रूव करती है, उसके अलावा देखा बायो पेटेंट क्या होते हैं, उसके बाद बायोप्रेसी क्या होते हैं और उसके रिगार्डिंग क्या क्या हम लोग के कंसिक्वेंसेस उठाते हैं। तो फाइनली ये पूरा बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर खत्म हो गया, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे नया टॉपिक के साथ, मिलते हैं तब तक, बाय बाय, थैंक यू।